चलो, can we get started? हेलो 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 एक तो ये जो प्रोसेस है ना, कोई एक बच्चा आएगा उसके लिए पांच लोग बाहर निकलेंगे, इतना रेस्पेक्ट मत दिया करो यार। तुम सबको पीछे हर दिन ऐसा बोल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, बैठ जाओ। बुक्स का लिख किया क्या तुमने? छोटा साइज है ना बुक का, स्मॉल बुक ना, अभी तो पहला बुक है। पीछे आई विल थ्रो यू लिटरली, तेरे टी शर्ट पे लिखा है, जल्दी बैठ जा फटाफट। और पीछे जगह भी नहीं और भेजने के लिए तेरे को, बैठ जा फटाफट, टाइम पास करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या हो गया? कौन गायब हो गया? बैग गया? तू नहीं गया ना? अरे मिल जाएगा यार, कोई नहीं ले जाएगा। तुम यार परेशान मत करो बच्चे को यार। अच्छा हुआ नहीं बोला, पेंसिल खो गया मेरा। मतलब मुझे ना एक्चुअली तुम्हारा वेट ही नहीं करना चाहिए कि तुम सेटल होते हो, आई शुड स्टार्ट डायरेक्टली मेरे को लगता है। यस सर, तो तुम भी तो चुपचाप बैठ सकते हो ना, मतलब द अदर वे राउंड। ऑनलाइन वालों को मस्त टाइम पास सुनने को मिलता है पहले 10 मिनट रोज। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। I said good afternoon everyone. गुड, थैंक यू। कल क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट बोलो। वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द ऑडिट रिपोर्ट पार्ट, राइट? एंड इन द ऑडिट रिपोर्टिंग पार्ट फर्स्ट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ ओपिनियन। कितने टाइप थे ओपिनियन के? कंफर्म है ना? देन वी टॉक्ड अबाउट फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके अंदर भी हमने पहले ओल्ड फॉर्मेट को थोड़ा समझा, एंड आई थिंक वी स्टार्टेड विद द रिवाइज फॉर्मेट। उसका सिर्फ ओपिनियन हेडिंग वाले पार्ट को डिस्कस किया था। आज पहले वी हैव टू फिनिश द रिवाइज फॉर्मेट, देन कुछ और बेसिक चीजें हैं। कल आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि सर कुछ तो मॉडिफाइड ओपिनियन और अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है। आज उसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, बट वी विल टच दैट एरिया स्पेसिफिकली आफ्टर फिनिशिंग अवर रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट। तो एक काम करते हैं,
रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टार्ट से शुरू करते हैं फटाफट से, जो बात डिस्कस हो गया था वी विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम देयर, विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, बट स्टिल फिर भी एक ओवरव्यू के लिए एक मिनट। तो अच्छा, अगर आपने बुक्स कलेक्ट कर लिए हैं तो पहला बुक जो है वो पूरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर है, द वे आई एक्सप्लेन यू ऑन डे वन। 200 सीरीज से लेके 700 सीरीज है, वी हैव स्टार्टेड विद 700 सीरीज। 700 सीरीज में जो पहला स्टैंडर्ड है हमने कल वो शुरू किया था, दैट इज SA 200। तो अगर आप 200 के अंदर पीछे पेज नंबर 1D.15 पे अगर आएंगे, आप पेज नंबर 1D.15 पे आपको एक सैंपल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट देखने को मिलेगा। एट द बैक आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी वन टॉकिंग नाउ, यू हैड टू वेस्ट फर्स्ट 5 मिनट्स, यू हैव ऑलरेडी डन दैट, डोंट वेस्ट द रिमेनिंग टाइम, ठीक है। सो आप कोई बात नहीं करेगा, सीरियसली पेज नंबर 1D.15 सैंपल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। देखो बेटा, लास्ट के जो 30 पेजेस है ना वो हमारे सारे ऑडिट रिपोर्ट ही हैं, उसमें कुछ ओल्ड फॉर्मेट्स है, कुछ रिवाइज फॉर्मेट्स है, ताकि कुछ चीजें आपको आराम से लॉजिकल तरीके से समझेगी। अभी मैं एक सैंपल फॉर्मेट कल जो डिस्कस करना शुरू किया था उसे कंटिन्यू करने वाला हूं। सबसे पहले देखो, कैन यू सी, सेम टाइटल था हमारा, कल हमने टाइटल वाला पार्ट डिस्कस किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट, याद है ये रिपोर्ट किसके लिए एड्रेस किया गया है, याद है, टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देन याद है एक चीज, ओपनिंग पैराग्राफ नहीं है यहां पर क्या है, ओपनिंग स्टेटमेंट है। क्या है? ओपनिंग स्टेटमेंट, दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड देन कम्स द मेन हेडिंग, दैट इज योर ओपिनियन हेडिंग। कल लास्ट में एक चीज बोली थी, वापस से रिवाइज करवा रहा हूं। इन द ओल्ड फॉर्मैट अगर आपका मॉडिफाइड ओपिनियन था, कौन सा ओपिनियन था, मॉडिफाइड ओपिनियन, तो याद है एक स्पेशल पैराग्राफ आता था, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, याद आया क्या? एंड दैट विल कम बिफोर, एंड उसके बाद में ओपिनियन आता था। पर रिवाइज्ड फॉर्मेट में ऐसा नहीं है, रिवाइज्ड फॉर्मेट में कोई सा भी ओपिनियन हो, सबसे पहले हेडिंग कौन सा आएगा, ओपिनियन हेडिंग। हाँ, बेसिस वाला हेडिंग का क्या करना है, कैसे डिस्कस करना है, आगे आएंगे, डोंट वरी। बट अभी तक ये ओपिनियन हेडिंग समझ में आया क्या? एंड सर, ये ओपिनियन हेडिंग का जो सेक्शन है ना, उसके अंदर भी दो पैराग्राफ है। पहला वाला इज नथिंग बट योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ऐसा लग रहा है कि दिस इज माय नथिंग बट माय इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड दिस इज माय एक्चुअल ओपिनियन पैराग्राफ। क्या ये चीज कल जो बताई थी सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? ऑनेस्टली मुझे अगर है तो अभी पूछ लो आप, अदरवाइज अपन आगे बढ़ना शुरू करते हैं। परफेक्टली फाइन, ठीक है। इस ओपनिंग पैराग्राफ में क्या क्या आता है, मैंने आपको नोटबुक में लिखवाया था, तो नोटबुक निकालो जरा, लास्ट क्या लिखा था मुझे ये भी बताओ आप। वी वर डिस्कसिंग द कंटेंट्स ऑफ रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले टाइटल लिखा होगा आपने, एड्रेसी लिखा होगा आपने, फिर एक स्टेटमेंट आता है, दैट इट इज अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट के बाद में क्या लिखा आपने, ओपिनियन हेडिंग, जिसके अंदर आपने बताया होगा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आता है एंड सेकेंड पैराग्राफ में क्या आता है। इतना क्लियर है? ओके, look at the next heading now, everyone I want your attention, what is the next heading, basis for opinion। main wapas se ek cheez emphasize kar raha hu, in the revised audit report chahe aapka opinion modified hai ya unmodified hai, dono case mein ek heading aayega, that is called as बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। एमसीक्यू बनता है ऐसी चीजों पर। वापस से बोल रहा हूं, इन द रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट, चाहे आपका ओपिनियन मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है, एक हेडिंग हमेशा आएगा, कौन सा, बेसिस फॉर ओपिनियन। सर डिफरेंस क्या है, ढंग से सुनना। इन द ओल्ड फॉर्मेट, याद है ये जो हेडिंग था बेसिस फॉर ओपिनियन, ये सिर्फ तभी आता था वेन वी हैड मॉडिफाइड ओपिनियन। ये एग्जाम्पल दिखाता हूं, ढंग से देखो, वापस से रिविजिट करने के लिए, आपको कल ही बताया था, जस्ट स्पेंडिंग वन मोर मिनट अगेन, ताकि कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। याद है ये ओल्ड फॉर्मेट हमारा, इसमें याद है क्या, एक हमने क्वालिफाइड ओपिनियन का केस देखा था स्पाइसजेट का, क्या इसके पहले उन्होंने बेसिस दिया था क्या? इस बेसिस इज नथिंग बट माय रीजन फॉर मॉडिफिकेशन, कैन आई से दिस बेसिस वॉज नथिंग बट माय रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। कि मॉडिफिकेशन क्यों दे रहे हो, उसका रीजन ही इस पैराग्राफ में आता था। डू यू गेट माई पॉइंट?
मतलब सर अगर मॉडिफाइड ओपिनियन आता है तो ये बेसिस पैराग्राफ तो पहले भी आता था, और वहां पर आप बता रहे थे कि आप क्यों मॉडिफाई कर रहे हो। आई होप अब आपको मॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड क्लियर है, कल बहुत टाइम स्पेंड किया हमने उस पर, यस और नो? अरे अगर क्लीन रिपोर्ट देने गया तो कौन सा रिपोर्ट दोगे, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड? इफ यू टू गिव अ क्लीन रिपोर्ट, विच रिपोर्ट विल कम? अनमॉडिफाइड, दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट विल कम। बट वेन यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि कुछ गलतियां हैं, मिसस्टेटमेंट्स है, कौन से मिसस्टेटमेंट्स विच ऑल्सो आर मटीरियल इन नेचर, कौन से मिसस्टेटमेंट्स? मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, तो उसके लिए आप क्लीन रिपोर्ट नहीं देते हो, आप देते हो मॉडिफाइड। सर मॉडिफाइड में तीन ऑप्शन थे, वो आपने नहीं बताया कौन सा वाला ऑप्शन कब आएगा, बट मॉडिफाइड और मॉडिफाइड क्लियर था। एंड सर जब आपने मॉडिफाइड का ऑप्शन दिखाया था तो बोला था कि अगर आप बोलते हो कुछ गलती है तो क्या गलती है बताना तो पड़ेगा ना यार, कैसा बोलोगे क्या यूजर को गलती है, सरप्राइज बताएंगे नहीं बस, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि अगर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, आप बोल रहे हो कुछ मिसस्टेटमेंट है तो क्या है, एज अ यूजर मुझे जानना होगा ना, अगर आप बोल रहे हो देयर इज अ मिसस्टेटमेंट देन व्हाट इज द मिसस्टेटमेंट, एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए उस मिसस्टेटमेंट का। इसीलिए यहां पर आता था रीजन कि आप किस मिसस्टेटमेंट की वजह से मॉडिफिकेशन दे रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है ढंग से सुनना, इतना क्लियर है? इधर आओ, इफ आई शो यू revised audit report format, can you see basis for qualified opinion? यहां पर आपको दो पैराग्राफ दिखेगा, पैराग्राफ वन एंड पैराग्राफ टू। बुक में मत ढूंढो, टेंशन मत लो, सिर्फ सुनो, मैं बता दूंगा किधर, डरो मत। बेसिस फॉर क्वालिफाइड में आपको दो पैराग्राफ मिल रहे हैं, दिस इज वन एंड दिस इज टू, यस और नो? इफ आई शो यू revised audit में, can I say basis for qualified, मतलब सर ये modified report है, कौन सा रिपोर्ट है? मॉडिफाइड। और अभी अज्यूम कर लेना ये ओल्ड फॉर्मेट गया साइड में भी, अब हम पूरा डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, रिवाइज्ड फॉर्मेट पे। अब मैं जाऊंगा ही नहीं ओल्ड पे कंफ्यूज करने के लिए, नाउ आवर एंटायर डिस्कशन विल बी ऑन रिवाइज्ड। तो रिवाइज्ड में हम दो सिचुएशन कंपेयर कर रहे हैं, एक क्लीन ओपिनियन का, दूसरा मॉडिफाइड ओपिनियन का। सर जब आप मॉडिफाइड बोल रहे हो तो बोल रहे हो इस हेडिंग के अंदर दो पैराग्राफ आता है, तो सर क्लीन के अंदर अगर क्लीन रिपोर्ट है रिवाइज फॉर्मेट के अंदर तो क्या होता है? सर इन केस ऑफ क्लीन रिपोर्ट इफ यू लुक एट बेसिस फॉर ओपिनियन देयर इज ओनली वन पैराग्राफ। नाउ इसका रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, यह समझना है अपने को। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब सर आप ओल्ड फॉर्मेट में मॉडिफाइड दे रहे थे तो बेसिस में रीजन दे रहे थे, आप क्लीन ओपिनियन दे रहे हो तो उसमें यह बेसिस आई क्यों रहा है यार? Why should I give a basis for a clean opinion? First tell me. Format में है, मैं मानता हूं, तुम्हारे हिसाब से क्यों देना चाहिए? My report says that financial statements are true and fair, clean है, तो मैं basis क्यों दूं? उसका reason देने का जरूरत क्या है? Clean किस basis पे बोल रहे हो? Okay. मतलब why are you arriving at this conclusion? और how are you arriving at this conclusion? इसलिए basis आना चाहिए, एक बच्चा ये बोलता है, और आना भी चाहिए क्या? सर इंक्लूड तो किया है, बाकी तो क्या बोलेंगे ज्यादा, एक्चुअली में सही है, मेरा बात सुनो। अगर मैं मेरे रिपोर्ट में बोलूं एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, मेरे यूजर को क्या समझेगा तू कैसे पहुंचा यहां तक? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यूजर कैन बी एनी लेमैन एनीवेयर इन द कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड जस्ट बाय सेइंग योर स्टेटमेंट एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। हाउ डू आई गेट दैट कॉन्फिडेंस? आई वॉन्ट टू नो हाउ डिड यू अराइव एट दिस? That is why in the revised audit report, उन्होंने compulsorily, कोई सा भी report है तेरा, modified, unmodified side में, एक paragraph आएगा, जिस paragraph का heading है basis for opinion, जिसके अंदर कुछ content आएगा compulsorily, क्या content आएगा ढंग से सुनना। क्या ये मेरा duty बनता है as a auditor बताने का कि भाई I have arrived at clean opinion या modified opinion, जो भी opinion है, I have arrived at the opinion on the basis of ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। मैंने ऑडिट पे काम किया होगा ना यार, एंड ऑडिट कैसे करना चाहिए एज पर, ऑडिट कैसे करना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जैसे अकाउंटिंग के लिए AS और INDAS है, और ऑडिटिंग के लिए क्या है SAS है। तो भाई मैंने ऑडिट वैसे ही किया है जैसा SAS बोलते हैं, क्या ऑडिटर में इंडिपेंडेंट होना चाहिए? तो ये मुझे वापस रीअश्योरेंस देने का जरूरत है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट भी हूं। सर ये इंडिपेंडेंस के लिए, मैंने याद है आपको कंपनीज एक्ट के अंदर बताया था एक प्रोविजन है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, अरे बताया था कि नहीं बताया था? सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, फिर एक रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर करके आता है, याद है क्या? वो प्रोविजन सपोर्ट किसको कर रहे हैं? इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बताना पड़ेगा ना यार दैट एज अ ऑडिटर आई एम इंडिपेंडेंट,
आई एम कंप्लाइंग विथ जो रिक्वायरमेंट है आपकी एज पर कंपनीज एक्ट. एंड नॉट जस्ट दैट, आईसीएआई ने कोड ऑफ एथिक्स बनाया. क्या बनाया? कोड ऑफ एथिक्स, दैट हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चाहे ऑडिट कर रहा है या नहीं कर रहा हैज टू कंप्लाई विद सम एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सीए फाइनल में पढ़ाएंगे कोड ऑफ एथिक्स. दैट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बोलता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकता है एथिकली और क्या नहीं कर सकता है, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड. एग्जांपल, तुमने मुझे कल दो दिन पहले बोला था सर वो हम पैम्फलेट बना के न्यू सीए इन टाउन नहीं डाल सकते. कोड ऑफ एथिक्स में लिखा है. किधर लिखा है? कोड ऑफ. तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है, पर तुम्हें यह नहीं मालूम है वो लिखा किधर है. पर तुम्हें वही समझा रहा हूं मैं, मतलब मुझे ये अश्योरेंस देना पड़ेगा दैट एज अ ऑडिटर ऑडिट करते हुए आई वाज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट एज वेल एज जो आईसीएआई का कोड ऑफ एथिक्स है उसके हिसाब से भी. अच्छा एक बात बोलो, क्या मुझे ऑडिट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है? कल बट पढ़ाया था कैसा कुछ तो. और ऑडिट एविडेंस कैसा चाहिए? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट. अगर मैं एक बात बोलना चाहूं, सर हमने ऑडिट शुरू किया, मैं इंडिपेंडेंट इंसान है, इस कंपनी का मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगा के एविडेंसेस ऑब्टेन किया, एकदम लेमैन तरीके से बात कर रहा हूं अभी, थोड़ा ऑब्वियसली विद टर्म्स. तो एविडेंसेस ऑब्टेन किया सर, एविडेंसेस कौन सा ऑब्टेन किया? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट. सर सफिशियंट हियर इज क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट इज क्वालिटी. सर हमने क्वालिटी का एक एग्जाम्पल दिया था कि यार बैलेंस विद बैंक चेक करने का, याद है क्या? अलग अलग ऑप्शन है पर एक ऑप्शन शायद ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शन. तो सर मैंने वैसा अच्छा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, उसके बाद सर समझ में आया सब कुछ ठीक लग रहा है. कैन आई से ओपिनियन तक आने से पहले मैंने ये सब काम किया होगा, फिर कंक्लूड किया है दैट हाँ सब कुछ ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, मतलब मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है. तो मुझे बताना पड़ेगा ना यार मेरे यूजर को दैट टू अराइव एट दिस कंक्लूजन मैंने ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन किया है, वो भी कौन सा? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट. तो यही चीजें इस पैराग्राफ में आती है. ये पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ने का ट्राई करो, चैलेंजिंग है, आसान नहीं है, पर ट्रस्ट मी अगर टाइम स्पेंड करोगे तो लॉजिकली समझ ही जाएगा, कोई डाउट वाला बात नहीं है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग अलॉन्ग विथ यू. देखो क्या बोलता है एवरीवन, आई वांट योर अटेंशन. क्या बोलता है बेसिस फॉर ओपिनियन? सर वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ, कैन यू सी द वर्ड? Standards on auditing specified under section 143. सुनो, accounting standards के लिए एक section है 133. Read along with the rule 7, जो बोलता है ये company की management का responsibility है कि जो भी notified accounting standards which are applicable in India, आपने उनको फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए. क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आपने किसे कंप्लाई करना चाहिए? अकाउंटिंग. वापस कंफ्यूज नहीं है ना, 133 किसके ऊपर है? AS के ऊपर है. किसके ऊपर है? AS. तो ये काम किसका हो गया? मैनेजमेंट का हो गया ना यार. अरे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट. तो उनको 133 लगा दिया कि तुम्हें एज पर 133 जो भी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे उन्हें कंप्लाई करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है. फिर ऑडिटर के लिए बनाया 143. सर व्हाट इज 143? पावर्स एंड ड्यूटीज. उसमें एक सबसेक्शन है 10 जो बोलता है कि एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे, जो भी एप्लीकेबल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे आपको वो कंप्लाई करते हुए ऑडिट करना है. So don't you think this 143 is from auditor point of view? अरे हाँ है ना. And 133 is from a company point of view that they have to comply with accounting standard and we have to comply with auditing standard. बात समझ में आ रहा है क्या? जब ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, अब देखो आप लॉ का कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके आए हैं. मेरा काम है यहां पर उन चीजों को सिर्फ उतना ही रिविजिट करके बताना ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए. एंड वेन यू आर रीडिंग देम You should not feel scared कि अच्छा वो बोल रहा है ना, वो क्या perspective है उसका, ताकि वो statement आपके लिए और logical बनते जाए. Important ये है, ठीक है? डरो मत, मैं आपको हर जगह बताते जाऊंगा, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा. ये standard, ये section ये बोलता है, इसका perspective ये है. मेरा objective है तुम्हें और understanding को improve करके देने का. वापस आ जाओ, sentence क्या बोलता है? सर हमने audit conduct किया as per standards on auditing. ये हमको कहां बोला था? 143(10) में बोला था. इतना क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? आगे आओ जरा ध्यान से. सर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी मतलब ऑडिटर की, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? ऑडिटर की. याद करो ओल्ड फॉर्मेट में कुछ तो एक स्कोप पैराग्राफ था क्या?
चेक कर लो ना एक बार जरा, था क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा, चेक करो जरा। देयर वाज अ स्कोप पैराग्राफ जहां पर दो चीजें थी, एक था मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक था ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सुनो, अगर मेरा यूजर पढ़ रहा है रिपोर्ट को तो उसको बता रहा हूं मैं, भाई मैंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तेरे को स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानना है, तो एक अलग पैराग्राफ है। कौन सा? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ है। देखो एंड दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट, हाँ पॉइंट क्या है, कंक्लूजन पे मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने एक अलग पैराग्राफ में और लिखी है यार, मतलब सब परेशान कर डालो। एक लाइन में समझ में आ गया ना मैंने ऐसे इसको फॉलो किया है, नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लेमैन को स्टैंडर्ड थोड़ी पढ़ाते हैं, तुमको उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के बताना पड़ेगा ना भाई, ये बेर मिनिमम इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सुनो, ये बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है मैंने ऑडिट किया एज पर एसेस, फिर बोल रहा है तेरे को मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर जानना है तो एक और हेडिंग है ऑडिट रिपोर्ट में। कौन सा हेडिंग है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग रहेगा, उस हेडिंग में मेरी और डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, एंड ट्रस्ट मी तेरे को ये याद करने का जरूरत नहीं है। मैं इतना स्टैंडर्ड्स पढ़ा दूंगा, उसके बाद में जब वापस इधर आएंगे तो अंदर देख के बोलेगा अच्छा ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, इधर से, खत्म। आई प्रॉमिस, क्योंकि पूरे स्टैंडर्ड्स में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट निकाल निकाल के लिखा है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो डायरेक्टली अभी पढ़ के कुछ फायदा होने वाला नहीं है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं बेसिस फॉर ओपिनियन। उसमें पहला चीज क्या आएगा? वी हैव कंडक्टेड ऑडिट एज पर एसेस। दूसरा चीज, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानना है तो कहां पर जाने का है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्लियर है क्या? आ जाओ वापस से आगे बढ़ते हैं, यहां से लेकर के यहां तक रीड कर लो। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? इफ यस आई विल गो आगे। वी आर ऑन पेज नंबर 1D.15। इतना क्लियर है? ऑनेस्टली बताओ क्लियर है ना? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? देखो सर, स्टार्टिंग लाइन देखना, वी आर इंडिपेंडेंट। अरे हां सर, टाइटल से हम वही देख रहे हैं, पर वापस से एम्फसाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि यार मेरा बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाहे तुम कितना भी आर्ग्यू कर लो यार, एक ही है, क्या ऑडिटर ने सही में अनबायस तरीके से काम किया है क्या? क्योंकि आप उसकी रिपोर्ट पर रिलाय तभी कर सकते हो जब उसने एक्चुअली में अनबायस तरीके से काम करते हुए अपना ओपिनियन दिया होगा। क्योंकि अगर ऑडिटर बायस हो गया ना तो नंबर्स रिलायबल नहीं है, और अगर नंबर्स रिलायबल नहीं है ना तो जो इन्वेस्टर्स है ना उनका वेल्थ डिस्ट्रॉय होने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज यू कांट रियली प्रिडिक्ट। एनी ऑर्गेनाइजेशन मे हैव चैलेंजिंग सिचुएशंस जो शायद बहुत डिफिकल्ट होगा समझना। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ ईयर्स बैक, अ पूना बेस्ड कंपनी सुजलॉन, सुना है क्या, वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनीज फॉर ईयर्स, समझो। और एक जमाने में लोग ऐसा बोलते थे, अगर तुमको नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने का है, बेट ऑन दिस कंपनी। हालत बहुत खराब है, समझ रहे हो मेरा बात? एंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी ने फ्रॉड किया, बट यस, उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर इश्यूज रेज किए हैं। एंड जब भी ऐसा अगर एक बार क्वेश्चनेबल सिचुएशन आ जाए मार्केट में, फिर जो इन्वेस्टर्स है वो रिलाई नहीं करते, फिर वो डंप करना शुरू करते हैं, मतलब बेचना शुरू करते हैं। एंड उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका वेल्थ वाइपआउट हो जाता है, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए शायद 1 या 2% रहेगा, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऐसी कंपनीज में कभी कभी 10-20% का अपना स्टेक हो सकता है, मतलब खुद के नेटवर्थ का पार्ट उन कंपनी में नहीं। इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर देम। सो एज अ ऑडिटर यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दीज एस्पेक्ट्स, दैट इज व्हाई इट मे साउंड लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस अगेन एंड अगेन, बट दैट्स हाउ द एंटायर इकोनॉमी वर्क्स, आपके रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर। दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो सर कंक्लूज करो, वी आर इंडिपेंडेंट एज पर कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय ICAI। अच्छा वो कहां से आता है, प्रोसेस क्या है, बताऊंगा, डोंट वरी। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, इंडिया उसका पार्ट है, इंडिया में उसका रिप्रेजेंटेटिव ICAI है, इसीलिए ICAI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स
एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर के आता है। क्या प्रोसेस है बताऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए कोड ऑफ एथिक्स कौन दे रहा है इंडिया में? आईसी है, उन्होंने जो दिया है वो हमने फॉलो किया है। एंड सर, क्या हमने कुछ और रिक्वायरमेंट्स को फॉलो किया है विच आर रेलेवेंट टू आवर ऑडिट एज पर द प्रोविजंस ऑफ? ये प्रोविजंस कौन से हैं सर? आर दे टॉकिंग अबाउट सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, दोनों चीजों को बार बार बताया है, हाँ या ना? सर ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली बोल रहा है ऑडिटर इंडिपेंडेंट है एंड वो एथिकल तरीके से काम कर रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? बेसिस फॉर ओपिनियन में सबसे पहले क्या पढ़ाया हमने? ऑडिट किया एज पर एसेस। दूसरा बात क्या बोल रहा है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जाननी है तो कहां जाना पड़ेगा? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग के अंदर, अरे हाँ या ना? तीसरा, वी आर इंडिपेंडेंट, हमने जो आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स बोलता है उसे कंप्लाई किया है, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बोलता है उसे कंप्लाई किया है। एंड लास्ट पॉइंट आपका फेवरेट, वी बिलीव, लैंग्वेज देखना, दैट द ऑडिट एविडेंस इज व्हाट वी ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आवर, मतलब हम हमारे ओपिनियन तक पहुंचे किस बेसिस के ऊपर है? इन एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर। और ये एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। आप धीरे धीरे ना एक नए सब्जेक्ट का, एक नए लैंग्वेज का वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हो। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हर बार जो वर्ड पढ़ रहे हो आगे कहीं ना कहीं वो मैच होते जाएगा और वो सेंटेंसेस और लॉजिकल बनते जाएंगे। क्या बेसिस फॉर ओपिनियन क्लियर है क्या? नोटबुक्स निकालिए, नेक्स्ट पॉइंट। इससे ज्यादा बात करूंगा बिना लिखा है तो तुम, आई नो दैट मेरा लिमिट है 20 मिनट के बियॉन्ड कंसिस्टेंटली बात नहीं करूंगा मैं, कभी कभी करूंगा। आपने ओपिनियन हेडिंग लिखा था, हम बेटा किधर है? कंटेंट्स ऑफ रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट, वहां पे नेक्स्ट हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। Under that point number A, basis for opinion heading, under that point number A, in case of revised audit report format, in case of revised audit report format, in case of revised audit report format, basis for opinion heading, basis for opinion heading will be part of audit report, will be part of audit report, irrespective of, will be part of auditor's report, irrespective of the type of opinion, irrespective of the type of opinion, irrespective of the type of opinion, that is whether modified or unmodified, that is whether modified or unmodified. क्या ये स्टेटमेंट समझ में आएगा आपको? ये एग्जाम में नहीं लिखने का है, एमसीक्यू में आ सकता है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के लिए आ सकता है। ये तेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया है कि सर ये हेडिंग रिवाइज ऑडिट रिपोर्ट में आएगी ही आएगी, चाहे मॉडिफाइड रिपोर्ट है या अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है। ये तो क्लियर है। अब लिखो पॉइंट नंबर बी। मैं कुछ भी ऐसा रिस्क लूंगा ही नहीं कि मैंने बताया और तुमको नहीं लिखवाया, बाद में तुम बोलोगे ये बताया नहीं था, इसलिए सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? पॉइंट नंबर बी, इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, in case of unmodified opinion, comma, this heading will include the following. In case of unmodified opinion, this heading will include the following. Number A, a statement that we have conducted, in accordance with,
we have conducted our audit in accordance with SAs. In accordance with SAs. Number B, SAs matlab standards on auditing. Aap short form use kar sakte ho. Number B, reference to the section of auditor's report, reference to the section of audit report, to the section of audit report which describes auditor's responsibilities, which describes auditor's responsibilities under the SAs, auditor's responsibilities under the SAs in detail, under the SAs in detail. पढ़ो एक बार पॉइंट नंबर ए एंड बी दोनों, लॉजिकल लगता है क्या? मेरे को लगा क्या हो गया तेरे को. पॉइंट नंबर ए एंड बी समझा गया आपको पक्का? अरे जो डिस्कस किया वही लिख रहे ना यार, ये भी समझ रहा ना कि लिखना कैसे अभी एग्जाम में. नंबर सी ऑल्सो इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी इन अकॉर्डेंस विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ Code of Ethics issued by ICAI, in accordance with Code of Ethics issued by ICAI and the provisions of Companies Act 2013 and the provisions of Companies Act 2013. Don't worry, ye sab cheeze ekdam cakewalk lagegi when you will revisit them after we finish lot of other aspects. But abhi prima facie understanding ek bar establish kar rahe hain. Sir, pehle point mein humne SAS ke sab se audit kiya hai. Dusre mein hamari aur responsibility chahiye to udhar jane ka hai. Teesra cheez, hum independent hai. चाहे आईसीआई का कोड ऑफ एथिक्स देख लो आप या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन देख लो. ए बी सी क्लियर है क्या? नंबर डी अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर बिलीव्स ही हैज ऑब्टेन्ड sufficient and appropriate audit evidences to base his audit opinion. चारों पॉइंट क्लियर है क्या? बिना रिपीट किए आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं? देखो, इससे धीरे नहीं बोल सकता हूं लिखाने के लिए, और इससे धीरे तुम लिखोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा. पेपर भी तुमको इस स्लॉट में लिखने गए, समझ लो. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का ट्राई करो. आई स्टिल सी सो मेनी पीपल. थोड़ा फास्ट, बहुत सारा लिखने का है.
ठीक है, पार्ट वन क्लियर है, अब वापस आ जाओ फटाफट से, कम बैक. सर इफ आई लुक एट अ मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, इफ आई लुक एट अ मॉडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, चलो फटाफट से देखो मेरे साथ में. इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एड्रेसी रिपोर्ट ऑन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखते लग रहा है क्या रिवाइज रिपोर्ट है? अरे हाँ है ना. फिर से कौन सा ओपिनियन दिया है? क्वालिफाइड ओपिनियन. नीचे क्या लिखा है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड. अब देखो इस बार ना बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब ये मॉडिफाइड रिपोर्ट है, इसमें दो पैराग्राफ है. पहला पैराग्राफ क्या लग रहा है और दूसरा पैराग्राफ क्या लग रहा है, ढंग से देखना. फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज योर सेकंड पैराग्राफ. लुक एट द सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट, लुक एट द सेकंड पैराग्राफ. वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद, सेम है क्या पूरा का पूरा? मतलब सुनो प्लीज, अगर आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग के अंदर दो पैराग्राफ आएंगे, जहां की दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें वो स्टैंडर्ड कंटेंट आएगा जो आपने अभी लिखा है. अरे हाँ ना. और पहला सेक्शन जो है, जो पहला पैराग्राफ है, यहां पर आएगा योर रीजन फॉर मॉडिफिकेशन. आप क्यों मॉडिफिकेशन देना चाहते हो, उसका रीजन तो आना ही पड़ेगा ना यार. अरे ये बेसिस फॉर क्वालिफाइड तो बनाया ही रीजन के लिए था ना यार, इसीलिए रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाई इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन इस बेसिस पैराग्राफ में पहले बोलेंगे हमने क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दिया है, और फिर बताएंगे हां वो ठीक है नॉर्मली ऑडिट करने के लिए एसएस फॉलो किए हैं, हमारी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर मिलेगी, ब्ला 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 ब्ला. समझा क्या मेरा बात? वो सेम चीज है. इज दिस क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना. नोटबुक्स पॉइंट नंबर बी, आप बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग में अभी तक एक पॉइंट लिखा आपने, यस? अच्छा दो लिखा है. हाँ यार पहला वाला तुम्हारे गाइडेंस के लिए था, तुम्हारे गाइडेंस के लिए था, ठीक है. थर्ड पॉइंट कोई बात नहीं, चेक कर रहा था यू आर अवेक और नॉट. इन केस ऑफ, शट अप, इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन, इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन कॉमा द बेसिस फॉर, इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन कॉमा द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ विल इंक्लूड, द बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन. वो पैराग्राफ में जगह तुम एक काम करो, हेडिंग लिख लो. अरे लिख लो यार, तुम बाद में खुद ही बोलोगे वो कंफ्यूज हो गया है. इन केस ऑफ अ मॉडिफाइड ओपिनियन द बेसिस फॉर ओपिनियन, पैराग्राफ को कट करके लिख लो, हेडिंग विल इंक्लूड द फॉलोइंग. अब इसमें लिखो नंबर वन, इसमें लिखो नंबर वन, फर्स्ट पैराग्राफ नंबर वन में लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ विल इंक्लूड द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन. फर्स्ट पैराग्राफ विल इंक्लूड द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन एंड सेकेंड पैराग्राफ विल इंक्लूड द स्टैंडर्ड कंटेंट. सेकेंड पैराग्राफ विल इंक्लूड द स्टैंडर्ड कंटेंट एज डिस्कस्ड अबव, द स्टैंडर्ड कंटेंट एज डिस्कस्ड अबव. और अगर आपको लगता है कि 6 महीने बाद आप इस सेंटेंस को समझ नहीं पाएंगे, तो एज डिस्कस्ड अबो के बाजू में एक ऐसा एरो बना के वो 4 पॉइंट पे लेके चले जाओ. एंड 99% चांस आप नहीं समझ पाएंगे, तो प्लीज एरो बना दो उधर. मेरे को तो अभी भी डाउट है कि जो मैंने अभी लास्ट बोला वो भी समझाएगा तुमको, तो उसको भी मैं एक बार वापस से बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. क्योंकि जैसे ही मैंने बोला फर्स्ट पैराग्राफ, कुछ ऐसे इधर उधर देखने लग गए थे लास्ट टाइम, एक बार रिपीट करता हूं. पहले तुम एक बार पढ़ लो, फिर मैं रिपीट करता हूं, एंड देन विल प्रोसीड. जल्दी स्पेंड 1 मिनट फास्ट, पूरा बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग पढ़ो स्टार्ट से लेकर एंड तक, जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम.
अरे पढ़ने के लिए बोला, ब्रेक नहीं दिया है। अरे बात क्यों कर रहे हो? ये देखो फटाफट जल्दी से, 1 मिनट के लिए। बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग, वी कैन क्लासिफाई दैट इन टू पार्ट्स, इन केस ऑफ मॉडिफाइड एंड इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड। सबसे पहले अनमॉडिफाइड का बात करेंगे। सर ये चीज पहले तो आता ही नहीं था, ये रिवाइज रिपोर्ट में पहली बार इंक्लूड किया है। और यहां पर एक ही पैराग्राफ आएगा जहां पर चार चीज आने वाली है जो आपने ऑलरेडी लिखी है। हाँ या ना? सबको क्लियर है ये चीज? पक्का? कोई डाउट है इसमें किसी को? सर मॉडिफाइड के केस में दो पैराग्राफ आएंगे, हेडिंग सेम रहेगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, देयर विल बी टू पैराग्राफ। पहले वाले में क्या आएगा? योर एक्चुअल रीजन फॉर मॉडिफिकेशन। अरे गलती क्या था? जैसे याद है ना, स्पाइस जेट के केस में प्रोविजन नहीं बनाया है। अरे प्रोविजन नहीं बनाया होगा, नॉन कंप्लायंस किया होगा, अकाउंटिंग गलत किया होगा, कोई तो गलती किया होगा यार, इसीलिए तो आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो। तो क्या गलती है वो पहले आएगा, और जो आपका सेकेंड पैराग्राफ है उसके अंदर वही चारों चीजें आने वाली है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आती है। क्या ये अब क्लियर है? पक्का? एनी डाउट टू एनी वन? ठीक है, अब एक बात सुनो, डोंट यू थिंक ओल्ड रिवाइज्ड, अब दिमाग में पूरा क्लियर हो गया है। इधर ओपिनियन हेडिंग से शुरुआत होता है, ठीक है, ओपिनियन हेडिंग में भी दो पैराग्राफ आते हैं। पक्का? इंट्रोडक्शन एंड देन एक्चुअल ओपिनियन, फिर आता है बेसिस फॉर ओपिनियन, वहां पे स्टैंडर्ड कंटेंट तो आता ही है। और अगर मॉडिफिकेशन हुआ तो पहले मॉडिफिकेशन फिर। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? कैन यू प्रोसीड? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। बस सबसे चैलेंजिंग चीज हो गया है, मतलब आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, डोंट यू थिंक इट मेक्स मोर सेंस नाउ बिकॉज यू हैव कंपेयर्ड बोथ? इफ आई वुड हैव स्टार्टेड डायरेक्टली विद रिवाइज तो तुम बोलते ठीक है ये आएगा। थैंक्स फॉर सच प्लेजेंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, मटीरियल लिखो, कोई बात नहीं, मटीरियल अनसर्टेनिटी। अगला हेडिंग बेटा हो गया ना, ये हेडिंग खत्म, हम है कंटेंट्स में ही, ऑडिट रिपोर्ट के उसका अगला कंटेंट। हाँ नंबर सिक्स, पहला टाइटल था क्या? एड्रेसी, अ स्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओपिनियन हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन हेडिंग। नंबर सिक्स, मटीरियल अनसर्टेनिटी। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, लाइक द वे आई एम फीलिंग गोइंग कंसर्न इश्यूज, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। शट अप, ऐसा लग रहा है पपेट शो में आए। हर 5 मिनट लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ये एक नया हेडिंग है, ये तुम्हारे ओल्ड फॉर्मेट में था क्या? नहीं था ना ऐसा कुछ भी, एक नया हेडिंग है और तुमको अभी नहीं समझ सकता है इसलिए डैश करके लिखो आगे, पर है ए प्रूफ दिखा रहा तुमको है, ठीक है, डैश करके लिखो, रेफर रिवाइज्ड एसे, लिखो लिखो बेटा, रेफर रिवाइज्ड एसे 570, रेफर रिवाइज्ड एसे 570। इस सिचुएशन को हम प्रॉब्ली परसों डिस्कस करेंगे डिटेल में, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू अनदर कॉन्सेप्ट। याद है कल गलती से कुछ तो दो पैराग्राफ थे, ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ कुछ तो था जिसके आगे 706 लिखा था, याद है क्या? वो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड होगा आपको इस कॉन्सेप्ट के साथ में, इसीलिए मैं भी इसको टच करके छोड़ूंगा नहीं, और फिर 2 दिन बाद बोलूंगा याद है क्या, तो तुम
इसको उधर ही डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्पेशल हेडिंग है जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आती है। वो सर्कमस्टेंसेस क्या है हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। सो दिस वन स्पेशल हेडिंग इज इंक्लूडेड इन द रिवाइज रिपोर्ट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हो गया खत्म, नेक्स्ट हेडिंग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, की ऑडिट मैटर पैराग्राफ डैश करके लिखो, एस ए रेफर एस ए 701, रेफर एस ए 701, बस काफी है। नेक्स्ट कोई बात लिखते जाओ। नेक्स्ट एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, जो कल भी लिखवाया था, याद है क्या, ईओएम, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ब्रैकेट्स में लिखो रेफर एसए 706, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ब्रैकेट्स में लिखो रेफर एसए 706। एंड एक काम करो, यहां पर एटलीस्ट लीव फोर लाइंस, चार लाइन छोड़ दो यहां पे, इसके बाद में EOM रेफर एसए 706, चार लाइन को छोड़ दो यहां पे। वी विल फिल इन दीज लाइंस आफ्टर सम डेज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये सिर्फ लिखना था तुमको टाइम पास के लिए कि कुछ नई चीजें होती है। फटाफट फॉर्मेट पे आ रहा हूं, लेट्स कंप्लीट द फॉर्मेट नाउ, ऑलमोस्ट जाना एवरीवन, डन डन डन। ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, कैन यू सी अ वर्ड कैम, की ऑडिट मैटर, ईओएम नहीं लिखा इधर, कोई बात नहीं मैंने लिखा है, मटेरियल अनसर्टेनिटी में नहीं लिखा, मैंने लिखा है क्योंकि वो एक्सेप्शंस हैं, कभी कभी आएंगे, कब आएंगे, कैसे सिचुएशन में आएंगे, रेस्पेक्टिव ऐसे में जब जाऊंगा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कैन यू सी उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या दिख रहा है आपको, ऐसा हमारा याद है स्कोप पैराग्राफ था, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नेक्स्ट वाला क्या है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फेवरेट है तुम्हारा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेक्स्ट हेडिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी के लिए मान के चलो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुमने लिखी है, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, सर यही मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। लॉजिकली उन्होंने बनाना चाहिए ना यार, लिखो मत, पर समझने के लिए समझ में आ रहा है क्या ये वर्ड्स, लाइक नाउ दी सेंटेंसेस शुड स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, कि एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है समझा दिया, मैनेजमेंट का मतलब बताया, TCWG से डिफरेंशिएट करके बताया कि नहीं बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको ऑलरेडी मालूम है, शेड्यूल 3 पढ़ के आया है तुम लोग, यस और नो, क्या अब तुमको लॉजिकल लग रहा है ये, परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस इनको अभी डिटेल में जा ही नहीं रहा हूं मैं, बिकॉज ये चीजें आगे और रेस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, वेन वी विल रिविजिट ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको समझ में आएगा, हाँ जो बची हुई चीजें ना और क्लियर होती जा रही थी डे बाई डे। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, कुछ नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना, मॉडिफाइड वर्ड क्या होता है, अनमॉडिफाइड क्या होता है, बेसिस फॉर ओपिनियन क्या होता है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, ये वर्ड्स मैं बैठ के डेफिनेशन लिखा सकता था, बट वेन यू आर लुकिंग एट अ बेस और फिर अगर वो वर्ड्स को समझोगे तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होता है, बाकी और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट लिखो अदर मैटर पैराग्राफ, और एक भूल गया था ना अपन बीच में, अदर मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ डैश करके लिखो रेफर एस ए 706, रेफर एस ए 706, यहां पर भी तीन लाइन छोड़ दो नीचे। सर मेरे दिमाग में एक डाउट है, तुम ओल्ड रिपोर्ट में कुछ तो लिखा था पहले ईओएम बाद में इमीजिएटली ओएम,
इधर तुमने ईओएम लिखा, बीच में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया और ओएम लास्ट में चले गया, ऐसा हो रहा है ना? ऐसा करेंगे, इसीलिए दो लाइन छोड़ के रखा है अभी, ठीक है? नेक्स्ट, आफ्टर दैट चलते जाओ आगे, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, उतना ही, उसके आगे ज्यादा समझेगा नहीं अभी। नेक्स्ट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। यहां एक बार रेफरेंस वापस से दे दो, रेफर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 3 एंड कारो 2020 एंड कारो CARO 2020। बस इसके बाद तो तुम्हारा फेवरेट पार्ट है, यस और नो? लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर आपको मालूम है, ठीक है? पक्का? ओके, एक बेसिक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट समझ में आ गया क्या? सी ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेल यू कि तुमको डे वन में सारा कंटेंट समझ जाएगा, अरे उसके लिए तो पूरा ऑडिट पढ़ाना पड़ेगा ना, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब धीरे धीरे इसके अंदर का इंटरनल पार्ट और डिस्कस करते जाएंगे, एंड स्लोली स्लोली बाय द एंड ऑफ ऑल एसेज व्हेन वी कम बैक आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट विदाउट एनी डाउट। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? हमने पढ़ा क्या है पर रिपोर्ट में, एक बार चेक तो करो नोटबुक के अंदर प्लीज, ऑडिट रिपोर्ट वाले पार्ट से। अब इंट्रोडक्शन भूल जाओ, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट से देखो क्या पढ़ा है अभी तक, स्पेंड जस्ट 2 मिनट्स एंड विल प्रोसीड। एनी डाउट टू एनी वन? यार कोई डाउट ही नहीं किसी को यार, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। वी आर इन ऐसे 700, वेर आर वी इन ऐसे 700? राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। पढ़ तो लिया है, समझना तो पड़ेगा ना, डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सीरी यार, डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब देखते हैं जरा, क्या तुम खुद से पढ़ के समझ सकते हो क्या? पेज नंबर 1D.5, फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन, दो कैटेगरी मिलेगा, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। पेज नंबर 1D.5, कैन यू सी अनमॉडिफाइड ओपिनियन हियर? पढ़ो जरा डेफिनेशन एक बार, क्या लगता है आपको? टाइम पास है तो सब आता तुमको अभी ऑलरेडी, लॉजिकल है क्या? एकदम पक्का, ठीक है? एक और डिटेल में अगर पढ़ने के, और डिटेल में आ जाओ, लेट्स चेक 1D.4, रीड 1 एंड 2। द ऑडिटर शाल फॉर्म एन ओपिनियन दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. In order to form that opinion, auditor को conclude करना पड़ेगा कि क्या उसके पास में reasonable assurance है that whether financial statements as a whole are free from material.
अरे सर ये वो जो ऑब्जेक्टिव है वही लिख रहा है। अरे तो सही बात है ना यार, जो ऑब्जेक्टिव है वही अचीव करके रिपोर्ट देना पड़ेगा ना यार। तो कंटेंट्स जो ऑब्जेक्टिव था वही तो अचीव करोगे ना यार अल्टीमेटली। अरे यस और नो, नोटबुक में चाहिए तो एक काम करो फटाफट से जाओ, जरा नोटबुक में जाओ, तुमने वो ऑब्जेक्टिव लिखा था उधर जो नोट लिखा था, अब उसको रिवाइज कर लो। तो अब तुमको आगे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लिखना है या कंक्लूजन के हिसाब से लिखना है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा बदलेगा पर कंटेंट सेम रहेगा। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा, सर हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन व्हाट सर, रीजनेबल अश्योरेंस दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और नॉट। सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कैन बी ईदर बिकॉज ऑफ फ्रॉड्स और एरर्स, और दूसरे शब्दों में कहना इसे मेरे को यह चेक करना है वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। दोनों बातें सेम है, क्योंकि एक बात सोचो, अगर एज पर एप्लीकेबल FRF बनाया तभी तो बोलोगे ना गलतियां नहीं है। कल आपको समझाया था मैंने मिसस्टेटमेंट का डेफिनेशन, मिसस्टेटमेंट के डेफिनेशन में क्लियरली बोला था जो FRF बोलता है वैसा नहीं हुआ तभी तो मिसस्टेटमेंट आएगा। बस वो सेम बात को अलग अलग पर्सपेक्टिव से बोलते जाएगा, अगर एक बार लॉजिक समझ में आ गया ना देन इज जस्ट द वर्ड्स दे आर प्लेइंग विथ, नथिंग एल्स। एंड आई एम श्योर आपको ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा क्या एक्चुअली में डेफिनेशन क्लियर है। 100% नोटबुक आ जाओ, लिखना शुरू करो डेफिनेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन। द ऑडिटर शाल एक्सप्रेस एन द ऑडिटर शाल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन द ऑडिटर शाल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ही कंक्लूड्स द ऑडिटर शाल एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन ही कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स That the financial statements are prepared, financial statements are prepared in all material respects, are prepared in all material respects as per applicable FRF. As per applicable FRF and he has reasonable assurance and he has reasonable assurance and he has reasonable assurance that these financial statements are free from reasonable assurance that these financial statements are free from material misstatements are free from material misstatements are you feeling comfortable with the definition exam mein aaya to sirf ek bar एक दिन पहले पढ़ के भी गए ना, आराम से लिख पाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये सब वर्ड्स इतनी बार आगे आएगा ना समझेगा। मेरे हिसाब से प्राइमा फेसिया एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एसए 700 का वो यहां कंप्लीट होता है। यस बहुत सारी चीजें, मतलब अगर आप मॉड्यूल में देखेंगे ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने टच नहीं की। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर देखेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस, ये मैं सब पढ़ाऊंगा डोंट वरी। बट इन द एंड अभी मैं बीच में ला करके तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, समझ रहे हो मेरा बात। अननेसेसरीली दिमाग में कचरा नहीं, स्ट्रेस नहीं। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ये कुछ तो एक स्पेसिफिक इवैल्यूएशन है, सब बाद में, डोंट वरी अबाउट इट। अभी जो कोर पार्ट था अंडरस्टैंडिंग का वो हो चुका है। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, नोटबुक्स नेक्स्ट हेडिंग SA705। अब बहुत मजा आएगा, ये ऐसा स्टैंडर्ड है जो मेरे हिसाब से मैं आने वाले 50-60 दिनों के अंदर हर दिन गाना गाऊंगा। मतलब हर दिन ये स्टैंडर्ड का रेफरेंस आएगा ही आएगा। और पता है क्या होगा, तुम जब आर्टिकलशिप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच इज योर फेवरेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और तुम कॉन्फिडेंस से बोलोगे 705, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक।
although it's one of the most important standards, but it is one of the most difficult standards to crack. The reason is it is heavily dependent on auditor's judgment. And your judgment is entirely dependent on my judgment. Do you get my point? And the bigger challenge is there can be communication gap. मैं जो समझा रहा हूं तुम जो समझ रहे हो और जो तुम उसको एक्सप्लेन करके आओगे, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बाद में बोलोगे उसने ऐसे ही बोला था. तुम्हारा ये स्टैंडर्ड तुम भूल चुके होंगे कि मैंने क्या बोला था. इसीलिए जिंदगी में अगर वो पूछे फेवरेट स्टैंडर्ड, 705 नहीं बोलने का. मैं बोल रहा हूं नहीं बोलने का, चाहे तुम्हें कितना भी पसंद है तुमको. मैं बोल रहा हूं किसी को कोई और नंबर याद हो चाहे नहीं हो, ये नंबर पक्का याद रहेगा क्योंकि इसके बारे में इतना डिस्कशन होने वाला है और इतनी जगह रेफरेंस आएगा. बट इसको गलती से भी आर्टिकलशिप इंटरव्यू में बोलने का नहीं. ये अगर तुमने बोला उस, तुमने उसको इनविटेशन दे दिया कि अभी एक घंटे तक 705 डिस्कस करेंगे आराम से, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई, डोंट वरी. ठीक है, व्हाट इज 705? राइट डाउन द नेम, मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन. मॉडिफिकेशन टू द ऑडिट ओपिनियन. एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये वाला डिस्क्लेमर नहीं, दूसरा डिस्क्लेमर. थोड़ा पेशेंस रखना, ये बहुत ओपन एंडेड स्टैंडर्ड है, मतलब जेन्युइनली बहुत ज्यादा. बट ये स्टैंडर्ड की वजह से ही ऑडिट बदलता है. दिस इज वन ऑफ द कोर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इसकी वजह से मॉडिफिकेशन आएगा. तो जो डिसीजन मेकिंग है ना, सब काम करने के बाद में मॉडिफाइड देना या अनमॉडिफाइड, वो डिपेंडेंट 705 पे. दैट इज वाई प्लीज बी लिटिल काम, केयरफुल, आराम से पूरा सुनने का ट्राई करना. जल्दबाजी में नहीं, नहीं मेरे को अभी कभी जाना है, ऐसा मत करना. स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, आई प्रॉमिस, डोंट वरी. चलो लेट्स स्टार्ट विद 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन. सर एक बात बताओ, ये क्लीन ओपिनियन कब आता है? समझ गया मेरे को, ठीक बात है ना? जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, कौन सा वाला सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, मेरे को लगता है सब ठीक है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो मैं कौन सा ओपिनियन देगा? क्लीन ओपिनियन. सर ये फिर मॉडिफाइड ओपिनियन कब आएगा? क्या लगता है आपको, व्हेन विल दिस मॉडिफाइड ओपिनियन कम? व्हेन देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. दो ही ऑप्शन है ना यार, पहले वाले में बोला देयर आर नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो दूसरे वाले में कुछ तो गड़बड़ रहेगा ना यार, तो इसलिए कौन सा ओपिनियन आएगा? मॉडिफाइड. तो मॉडिफाइड ओपिनियन आने के लिए देयर आर टू सिचुएशंस. मॉडिफाइड ओपिनियन आने के लिए देयर आर टू सिचुएशन. पहला सिचुएशन क्या बोलता है, ऑडिटर ने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए, उनको इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद में यह कंक्लूजन पे आया दैट देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, दैट देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. या मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं, ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद में यह कंक्लूजन अराइव किया दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. बात सेम ही है यार, पर लिखना दूसरा वाला एग्जाम में. पहले वाले में क्या बोला, दैट देयर आर मटीरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरे में क्या बोला, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. मतलब सिमिलर की है, डू यू गेट मी? बट लैंग्वेज स्टैंडर्ड का जो आ रहा है वो समझा रहा हूं. पहला पॉइंट तो क्लियर है क्या? नोटबुक्स 705 राइट डाउन पॉइंट नंबर वन. सर्कमस्टेंसेस 705 पॉइंट नंबर वन, सर्कमस्टेंसेस व्हेन, सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन, व्हेन अ मॉडिफिकेशन to the auditor's opinion is required. Modification to the auditor's opinion is required. मतलब क्या क्या circumstances हैं जब आपको लगता है auditor के opinion में modification आना चाहिए. Under that point number A. ये circumstances heading है, समझ रहे हो मेरा बात? इसमें point number A, situation number A. When the auditor concludes, when the auditor concludes based on audit evidences obtained, when the auditor concludes based on audit evidences obtained that, based on audit evidences obtained that the financial statements, that the financial statements are not free,
आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एज अ होल. मतलब ओवरऑल लेवल पे एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद में मेरे को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री. मतलब आई एम ट्राइंग टू से देर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स. नाउ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स कैसे होते हैं आपको बताया था. मिसस्टेटमेंट मतलब गलती. ये तो या तो अकाउंटिंग में होगा, क्लासिफिकेशन में होगा, अरे हाँ ना, या प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में होगा. मतलब जो AS बोलता है तुमने वो नहीं किया, जो शेड्यूल 3 बोलता है तुमने ऐसा नहीं किया. इट्स अ मिसस्टेटमेंट. बट हाँ, सोचना पड़ेगा ये गलती क्या मेरे यूजर के डिसीजन राधा क्या वो डेफिनेशन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. सी गलती इट्स ओके बट इज दिस मटीरियल और नॉट, दैट इज इंपॉर्टेंट. मटीरियल होने के लिए सोचना पड़ेगा कैन इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ माय यूजर. अगर हाँ तो सर मुझे क्लीन ओपिनियन तो नहीं देना चाहिए. क्या नहीं देना चाहिए? क्लीन ओपिनियन तो नहीं देना चाहिए. कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? मॉडिफाइड. अब मॉडिफाइड में तीन ऑप्शन है. कौन सा वाला कब आएगा साइड में छोड़ दो अभी के लिए. आएगा आज ही, डोंट वरी अबाउट इट, विल स्टार्ट. क्या सर्कमस्टेंसेस नंबर ए क्लियर है? क्या पक्का? एक काम करो नंबर बी पे आओ जरा. कैन आई से इसका एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया स्पाइसजेट वाला. अरे स्पाइसजेट के केस में प्रोविजन नहीं बनाया था ना उन्होंने यार. 74 मिलियन का कल एग्जांपल लिया था ना अपन ने. स्पाइसजेट ने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोविजन नहीं बनाया फॉर 74 मिलियन. इट इज अ मिसस्टेटमेंट विच इज मटीरियल इन नेचर. इसीलिए स्पाइसजेट के ऑडिटर ने कौन सा ओपिनियन दिया था? मॉडिफाइड. उसने चूज किया क्वालिफाइड. वो क्यों किया जाने दो. अभी के लिए ओपिनियन क्या था? मॉडिफाइड. क्या ए सर्कमस्टेंसेस क्लियर है? क्या एवरीवन पक्का? लेट्स सी, कैन यू रीड पॉइंट नंबर बी ऑन योर ओन एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर बी. वी आर इन 705 नाउ. इट्स ऑन पेज नंबर 1D.26. कैन यू रीड पॉइंट नंबर बी एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर बी. सेम ही है क्या यार? मैं मेरे मॉड्यूल में लिख करके प्रिंट भी कर देगा, सेम रहेगा तो ना, तुमको लगता है ऐसा? और पॉइंट नंबर बी भी बनाएगा उसको. वापस पढ़ो, आई नो 2 बजे का टाइम है, पानी पियो और पढ़ो. ब्रेक व्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं होता है बेटा, गलत जगह पे हो. 2 घंटा टोटल है, 2 मिनट भी नहीं है मेरे पास में, और बीच में ब्रेक मैं खुद ही रिपीट करके टाइम पास करके कर लेता हूं. पॉइंट नंबर बी, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? कोई तो ट्राई करो यार. हाँ पहले वाले में मिसस्टेटमेंट सेम, दूसरे वाले में कंक्लूजन देखिए नहीं आ पा रहे, तो फिर रिपोर्ट क्यों दे रहे बताना पड़ेगा. कि मेरे को एविडेंस नहीं मिला ये बताना पड़ेगा. ओके ओपिनियन नहीं देगा मतलब इधर हम ओपिनियन नहीं देंगे. हो भी सकता है. अच्छा ठीक है ओके. लास्ट एक बच्चे और पूछते हैं. 2 कंडीशन है. अच्छा अरे रुको यार सुनने दो ना एक. हाँ मेरे को एक बात बता, दूसरे वाले में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है? मेरे को इतना समझ, ज्यादा समझता ही नहीं है. नहीं है, मिसस्टेटमेंट नहीं है. अरे बहुत सिंपल है यार, सुनो.
एक बात समझो, सुनो, अज्यूम करो तुम डेटर्स या क्रेडिटर्स चेक कर रहे हो। सर हम तो कैश एंड बैंक भी नहीं कर पाए थे, आई अंडरस्टैंड। डेटर्स या क्रेडिटर्स एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी, लेट्स से कोई तो एक पार्टी है एक्स वाई जेड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 40 CR। डेटा क्रेडिटर इमटेरियल छोड़ दो, बैलेंस शीट में तुमको एक पार्टी का बैलेंस 40 CR दिखता है, डायरेक्टली नहीं ऑब्वियसली उस हेडिंग के अंदर अक्यूमुलेटेड नंबर में दिखेगा, मैं मानता हूं। तुमने इस पार्टी से कन्फर्मेशन लेटर भेजा, वो याद है लेटर भेज सकते हैं, अब तो तुमको मालूम है, अरे बताया था ना वो बैंक को कन्फर्मेशन लेटर, लेटर तो भेज सकते हो ना यार, तुम मत जाओ दैट्स ओके, लेटर तो भेज सकते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बहुत नॉर्मल है ये चीज, तुमने लेटर भेजा होगा, दे आर लाइक आई डोंट केयर साइड में। अब एज अ ऑडिटर तुमको उधर से तो एविडेंस मिलने वाला नहीं है, तुमने फॉर्मेलिटी खत्म कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उनसे एविडेंस मिलने वाला नहीं है। तुमने क्लाइंट से पूछा यार ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस 40 CR, मान लो फॉर एग्जांपल कस्टमर का बैलेंस है ये, तुमने इसको प्रोडक्ट डिलीवर किया होगा इसीलिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा, मेरे को एक काम करो इनवॉइसेस दिखा दो, इनवॉइसेस दिखा दो, गुड्स डिस्पैच हुए हैं उसके डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, अच्छा छोड़ो गुड्स बनाए हैं तुमने उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दो, यस और नो। आइडियली अगर कोई तुमको एक एविडेंस नहीं मिलता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करके दूसरा फॉर्म ऑफ एविडेंसेस आ सकता है, मतलब लॉजिकली इफ अ ऑडिटर वॉन्ट्स टू अराइव एट अ कंक्लूजन, उसे कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का, ये बात तो समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मेरे को ऑडिट एविडेंस मिला, अज्यूम सिचुएशन मिला, उन्होंने मेरे को लेट्स से सेल्स इनवॉइसेस दिखाए, उन्होंने मेरे को डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लॉजिस्टिक के एलआरएस दिखाए, लॉरी रिसीट्स वगैरह, देख के लग रहा है हाँ सर 40 करोड़ का माल तुमने भेजा है, समझ रहे हो मेरा बात, ये पैसा रिसीवेबल बनता है तुम्हारा, वो क्या हो गया क्रेडिट पीरियड वगैरह सब मेंशन है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, फिर भी एटलीस्ट ऐसा लगेगा कि सेल हुआ होगा, अरे समझ रहे हो क्या मेरा बात। बट अगर मान ले वो बोलता है नहीं सर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो सिंपल बात है मैं ये कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकता हूं कि कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, बट इनडायरेक्टली अगर मैं सोचूं तो 100% गलती है, अरे यार डॉक्यूमेंट नहीं होना पॉसिबल ही कैसे है यार, और सेल्स इनवॉइस तो इंटरनल होता है यार, वो तो आप ही जनरेट करते हो, कम से कम मेरे पूछने के बाद तो इनवॉइस जनरेट कर देता, नहीं कर सकते सिस्टम के अंदर कंट्रोल होता है दैट आप बैक डेटेड एंड पोस्ट डेटेड एंट्रीज नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो मेरा बात, हाँ तुम सोच रहे हो, बट स्टिल कुछ ना कुछ तरीके से एविडेंस तो ला सकता था ना मेरे पास में, तो आई एम ट्राइंग टू से सेकंड वाला सिचुएशन तो और डरावना है, बहुत रेयरली होता है, क्योंकि मैनेजमेंट इन जनरल हर तरीके से ट्राई करेगा कि तेरे को एविडेंस मिले, डू यू गेट माई पॉइंट, एविडेंस नहीं मिलना तो और ड्रेकोनियन है और डेंजरस है, क्योंकि वहां तो हिंट आएगा फ्रॉड का, वहां लगेगा ये मिसस्टेटमेंट 100% किस नेचर का हो सकता है, इंटेंशनल नेचर का हो सकता है, किस नेचर का हो सकता है इंटें, बट सर थियोरिटिकली सिचुएशन दो है, पहला वाला तुमको एविडेंस मिला, एविडेंस मिलने के बाद गलती मिला, सर फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने बोला 40 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, हमने लेटर भेजा था, थर्ड पार्टी ने कंफर्म किया आउटस्टैंडिंग 40 करोड़ नहीं है 14 करोड़ है, इज देयर अ डिफरेंस, मैंने मैनेजमेंट को पूछा व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, रिकंसाइल करो, नहीं कर पाए रिकनसाइल, दोनों लड़ाई करने शुरू कर दिए, उसका अकाउंटिंग गलत है ये बोलते मेरा अकाउंटिंग, जो भी है व्हाटएवर इट इज, टिल द एंड ऑफ ऑडिटिंग इफ आई कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन, मैं क्या अज्यूम करूंगा मेरा क्लाइंट गलत है, सी थर्ड पार्टी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, समझ रहे हो क्या मेरा बात, मैं क्या बोलूंगा ये गलत है, मेरे हिसाब से तुम्हारा बैलेंस ओवर स्टेट किया है, अरे हाँ या ना, मतलब इधर पर मुझे कॉन्फिडेंस है ना, एविडेंस ऑब्टेन करने के बाद मैं कंक्लूजन पे आया हूं दैट देयर इज अ मिसस्टेटमेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, पर अगर वो मुझे एविडेंस ही ना दे, बताए ही नहीं कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, तो मैं कंक्लूजन पे आ ही नहीं सकता हूं, बट कैन आई से इट इज मोर डेंजरस इन नेचर, दैट मे गिव मी अ हिंट दैट देयर कैन बी अ इंटेंशनल नेचर ऑफ फ्रॉड इनवॉल्व, बात समझ में आया क्या? पक्का पॉइंट नंबर ए बोलता है, पढ़ के देखो फटाफट से, अभी ये एग्जांपल्स को अभी धीरे धीरे अपन खींचना शुरू करेंगे, बिकॉज जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे ना, हमें बहुत सारे एग्जांपल्स के अंदर लड़ाई करना पड़ेगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडिफिकेशन कब आता है उसके दो सिचुएशन क्या है ढंग से सुनना। पहला वाला क्या बोलता है वापस से, सर जब ऑडिटर कंक्लूड करता है उसको सर एविडेंसेस मिले हैं जो उसने चेक किए हैं, उसके बाद वो कंक्लूड कर रहा है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री, मतलब सर कैन आई से यहां पे ऑडिटर को इस दिस सिचुएशन नंबर वन उसको मिसस्टेटमेंट्स मिल गए हैं, ही हैज डिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, यस और नो? पक्का? सो आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड
डिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्या वर्ड यूज करूंगा, डिटेक्टेड मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, मैंने डिटेक्ट किए हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स को पहले सिचुएशन में, ठीक है। नोटबुक्स पॉइंट नंबर बी, सर्कमस्टेंसेज नंबर टू लिखो, सर्कमस्टेंसेज नंबर टू लिखो, व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, व्हेन ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidences, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences to conclude that the financial statements, to conclude that the financial statements as a whole, financial statements as a whole are free from material misstatements, financial statements as a whole are free from material misstatements. यह वर्ड ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन, क्योंकि इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं थे ताकि आप एक कंक्लूजन तक आओ कि सब अच्छा है। बात समझ रहे हो क्या मेरा बात, मतलब ये है सिचुएशन ऑफ पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। इस सिचुएशन को मैं क्या बोलूंगा, पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेट। पहले वाले में मैंने गलती ढूंढ ली थी, दूसरे वाले में मेरे को लग रहा है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। दिस इज सेकेंड सिचुएशन जहां मुझे एविडेंस ही नहीं मिला और मुझे लग रहा है शायद चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे, इसीलिए भी मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा। सर यार ये सेकेंड नंबर वाला जो चीज है ना वो थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बहुत ही रेयर सिचुएशन है क्योंकि नॉर्मली मैनेजमेंट पूरा ट्राई करेगा आपको एविडेंस देने का। डू यू गेट माय पॉइंट? यहां पर एक दूसरी सिचुएशन और आएगी, मैनेजमेंट ने ट्राई किया बहुत ऑडिट एविडेंस देने का पर तुमको वो ऑडिट एविडेंस रिलायबल नहीं लग रहा है। तुमको क्या रिलायबल नहीं लग रहा है, वो ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल सुनो, मैंने बोला 40 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट ने क्या किया है, जेरोक्स कॉपी ऑफ इनवॉइसेस ला करके दिए, नॉट ओरिजिनल इनवॉइसेस, जेरोक्स कॉपी, थोड़े डिलैपिडेटेड कंडीशन में एविडेंसेस ला के दिए, देख कैसा लग रहा है सर ये ओरिजिनल की फेक है मालूम नहीं। फिर थर्ड पार्टी ने कंफर्म किया था आउटस्टैंडिंग बैलेंस 14 करोड़ है, फिर जैसे मैंने मैनेजमेंट को बोला ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, 15 मिनट बाद थर्ड पार्टी के मैनेजमेंट का बंदा ईमेल करता है, नो बैलेंस इज मैचिंग विद देयर बैलेंस। होता है ऐसा रियल लाइफ में, आई एम टेलिंग यू, बट व्हेन देयर इज अ सेंटेंस दिस विल गिव मी मोर डाउट। क्या इसने फोन करके बोला मैच होता, बोल यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, क्योंकि उसका भी ऑडिटर रहेगा। अरे समझा क्या मेरा बात, उसका भी तो ऑडिटर रहेगा, उसको भी तो बैलेंस कंफर्मेशन लगेगा, आर यू अंडरस्टैंड, और जिसको फ्रॉड करना होगा ना वो ये सब होने नहीं देगा, वो परफेक्टली टैली करके रहेगा सब कुछ, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। इसीलिए फ्रॉड तो बहुत ही दूर का बात है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है फ्रॉड्स को पकड़ना। डू यू गेट माय पॉइंट? वो सिर्फ बोलने के लिए बहुत आसान लगता है, वेरी वेरी चैलेंजिंग, एंड दैट यू विल अंडरस्टैंड मोर द टाइम वी स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉड्स। यू विल रियलाइज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, only they are possible, you know, blessed to do these things, normal people cannot do it, I'm telling you, it is confirmed, warna immediately, अरे यार वो 40 करोड़ mismatch होगा, एक मिनट में समझ में आ जाएगा वैसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे बात, 100%, इतना doubt तो कोई, तुमको भी समझ में आ गया यार, किसी को भी समझ में आ जाएगा, अरे मतलब समझो यार, अरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ यार, वो सामने वाला आदमी 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा होगा, ऐसा मत सोचो, तुम्हारा 25 साल का एज भी नहीं है। Do you understand point number A and B? At least modification कब आता है ये समझ में आया है क्या? हाँ या ना? पढ़ो A और B फटाफट से. Are you comfortable with the language? दोनों points का. We will थोड़ा सा और discuss करेंगे इस पे. Next point पे don't worry. Basic language clear है तो आगे बढ़ेंगे.
YouTube लाइव इज लाइक अ रिकैप कि तुमने जैसे रिएक्ट कर दिया वापस दिखता है वो रिएक्ट कर रहे हो. कैन वी गो नेक्स्ट? सर्कमस्टेंसेस क्लियर है? लिखो पॉइंट नंबर टू, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस. कितने टाइप्स? तीन. नंबर ए क्वालिफाइड, नंबर ए क्वालिफाइड, नंबर बी एडवर्स, नंबर ए क्वालिफाइड, नंबर बी एडवर्स एंड नंबर थ्री डिस्क्लेमर. क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर. नाउ द टाइम कम्स वेयर वी डिसाइड विच मॉडिफिकेशन शुड कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. उसके लिए एक टेबल है, वो टेबल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने को. वंस यू अंडरस्टैंड दैट, कौन सा मॉडिफिकेशन किधर आएगा अपने आप समझ में आ जाएगा. कौन से मॉडिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा. कौन से मॉडिफिकेशन में लैंग्वेज क्या है अपने आप समझ में आ जाएगा. एवरीथिंग विल मेक सेंस इफ वी अंडरस्टैंड द टेबल. डू यू गेट माई पॉइंट? तो सर मॉडिफिकेशन कब आएगा? दो सिचुएशन. टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन तीन लिख लिए, ये तो हमने पहले भी लिखे थे. सीधा टेबल पे आते फिर डायरेक्टली. पॉइंट नंबर थ्री, 705 हेडिंग नंबर थ्री. क्या तुम थक जाते हो इतनी जल्दी है? लिखो नंबर थ्री, विच मॉडिफिकेशन शुड कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. विच मॉडिफिकेशन शुड कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. इसके लिए एक टेबल बनाएंगे. टेबल के अंदर आएंगे तीन कॉलम. सबसे पहले हेडिंग लिखो, तीन कॉलम रहेंगे. हाँ पहला पॉइंट, नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन. 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 नंबर टू, मटीरियल बट नॉट, मटीरियल बट नॉट pervasive, material but not pervasive. And tisra, material as well as pervasive. Material but not pervasive and material as well as pervasive. ये ऊपर वाला पार्ट छोड़ देना अभी के लिए. तो टेबल में जब तुम देख रहे हो, पहला हेडिंग तुमने लिखा नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, दूसरा लिखा मटीरियल बट नॉट परवेसिव, एंड तीसरा लिखा मटीरियल एज वेल एज परवेसिव. समझाऊंगा क्यों ऐसा है और ऊपर वाला पार्ट लिखने का जरूरत क्यों नहीं है, डोंट वरी. सर एक बात तो, जो लिखा हमने नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, क्या यही तो पॉइंट नंबर वन में पढ़ाया था? अरे नेचर ऑफ मैटर गिविंग मतलब मॉडिफिकेशन कब आता है? अरे वही तो लिखा है ना ऊपर सर्कमस्टेंसेस. अरे हाँ या ना, तो अंडर नेचर पॉइंट नंबर ए, अंडर नेचर पॉइंट नंबर ए, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडर नेचर पॉइंट नंबर ए, when financial statements are materially misstated, when financial statements are materially misstated,
materially misstated. And number B, when auditor is, number B, when auditor is unable to obtain, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, when auditor is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidences, sufficient and appropriate audit evidences. ये दोनों पॉइंट सेम ऊपर सर्कमस्टेंसेस थे क्या, जरा चेक कर लो फटाफट से एक मिनट के अंदर. स्पेंड वन मिनट, रीड द सर्कमस्टेंसेस, रीड द कंटेंट अंडर नेचर, मैच होता है क्या, चेक कर लो फटाफट, होता है क्या मैच, नहीं होता है. पढ़ने के बाद पता चलेगा ना यार. सफिशिएंट की जगह सर मैं सफिशिएंट की जगह सेटिस्फैक्टरी लिख लू क्या, देख वापस कोई दिक्कत नहीं है, ये एक लैंग्वेज है बट ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश में जैसे सिनोनिम्स होते हैं, यहां पे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ टर्म्स डिफाइन कर दिए, दे विल रिमेन स्टैंडर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, सो इवन इफ यू गो टू यूएस ऑडिट रिपोर्ट्स यू विल स्टिल फाइंड द टर्म. डू यू गेट माय पॉइंट? सो यू नीड टू हैव द कॉमन टर्म्स, अदरवाइज द वर्ल्ड विल से आई डोंट वांट टू से डेप्रिसिएशन, आई वांट टू यूज सम अदर टर्म. सो फ्रॉम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फाइन, सेंटेंस तो लिखेगा तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टेक्निकल टर्म है ना वो यही रहेगा, क्योंकि इसके नाम के ऊपर स्टैंडर्ड बनाया है बेटा. अब जिसके नाम पे स्टैंडर्ड बना है उसको तो नहीं बोल सकता ना ये नाम नहीं रखूंगा मैं. सी वी आर नॉट गवर्नमेंट राइट, वी चेंज, यू नो व्हाट आई मीन. एनीवेज तेरा बात गलत नहीं है पर तुझे बता रहा हूं ऑडिट में चेंज करना मुश्किल होता है ऐसा, और मैं अगर अलग यूज करना शुरू करूंगा. चलो तुमको इससे रिलेटेड एक बात बोलता हूं, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई थॉट ऑडिट पढ़ाना है, मतलब स्टैंडर्ड्स पढ़ाने के, आई विल कम एंड टॉक, I'll explain the process. You all will be like, and syllabus is over. It's very simple to finish the syllabus. Problem is, likhega kaun exam mein? Aur kya likhoge exam mein? Do you get my point? Jo main bolunga, tum wo likhoge. Aisa hota hai. Kyunki naturally tumhare dimag mein cheeze us tarike se jayegi. And majority terms aap aise use karoge. Ab problem ye hai, is subject mein, ये बहुत कॉमन है. अगर आप बहुत अच्छे फॉर्म्स में भी कर काम करते हैं, अगर तुम आईसीआई का एग्जाम पेपर लिखेंगे तो तुमको 40 नंबर आएगा, बिकॉज आपका लैंग्वेज और उनका लैंग्वेज मैच नहीं होता है. इन रियल लाइफ फॉर एग्जाम्पल आई यूज अवर्ड मॉडिफाइड ओपिनियन, लॉट ऑफ पीपल विल नॉट इवन से मॉडिफाइड, दे विल से इट्स क्वालिफाइड रिपोर्ट, वेरी कॉमन. आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स इन द वर्ल्ड विल से दैट, एंड मैं उससे आर्ग्यूमेंट सर ऐसे ऐसे मॉडिफाइड, वो क्या बोलेगा मेरे को मत बता. वो प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट को दो ही ओपिनियन आता है नॉर्मली, या तो क्लीन या क्वालिफाइड, बात खत्म. तो मैं क्लाइंट को क्या 705 समझाऊंगा बैठ के, ये तीन टाइप्स है ऐसा कॉमनली यूज टर्म्स. सो दे से इन बिजनेस व्हाट टर्म्स वी यूज इज ऑन अस, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? And actually में आप वो जो terms experience करेंगे कुछ कुछ they might be contradictory. Yes, majority things will go like this. Mechanism will be similar. But आपका जो language होता है ना वो बदल जाता है बहुत. Rather इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज में बहुत अच्छे काम करने में, जरूरी नहीं आपको नंबर आएगा उधर आईसीए के एग्जाम में. समझ रहे हो मेरा बात? मार्क्स यहां पर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है विथ योर लैंग्वेज और नॉलेज. And they might even say, अरे satisfactory audit evidences, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा. But तूने अगर exam में लिखा तो गलत interpretation लिया जाएगा, unfortunately. And what they want is, because these terms are standard terms across the globe, why not stick to them ऐसा? तो perspective ये है, यहाँ पर जानबूझ के मैंने भी अपना language almost इतना close रखा है module के over a period of time. I will not talk like this. Why would I? Explaining something is different. That's very simple and straightforward. I can just play with examples. The problem is, you will go so away from the concept that when I want you to write this, you will not be able to. And if you don't write this,
थियोरी में जीरो देना सबसे आसान है और पावर एग्जामिनर के हाथ में है, समझो मेरा बात। द इजिएस्ट पॉसिबल प्लेस वेर यू थॉट यू न्यू एवरीथिंग, सोचो ना यार, ओपिनियन हेडिंग पढ़ाया ना तुमको मैंने, उस पर क्वेश्चन आ गया ओपिनियन हेडिंग में क्या आता है, तुम सब ठीक लिख के आए, तुम क्या किया मालूम है क्या, ओपिनियन हेडिंग का पैराग्राफ लिख के आ गया। टेक्निकली तू नॉलेजेबल है पर तूने ब्रेक नहीं किया उनके लैंग्वेज के अंदर, इस हेडिंग में ऐसा आता है, यू मे नॉट गेट ऑल फोर मार्क्स, शायद तुमको आउट ऑफ सिंपैथी दो नंबर दे दे, ये फैक्ट बता रहा हूं तुमको मैं। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली पढ़ाने का तरीका भी उनके हिसाब से फाइन ट्यून करना पड़ता है। इन अ थियरी सब्जेक्ट आई डोंट हैव अ स्कोप बिकॉज मेरे पास कोई मार्जिन नहीं है, इफ आई गो रॉन्ग यू गो रॉन्ग एंड देन कम बैक। सर एक बात तो, एक टेबल में आओ जरा, एक बात जल्दी जल्दी टेबल में आओ, टेबल में मुझे बताओ ये नेचर ऑफ मैटर समझ गया, यस अरे हाँ ना। सेकेंड थर्ड जो टेबल जो हेडिंग है उसमें क्या लिखा है, मटीरियल बट नॉट परवेसिव, और बाजू में क्या लिखा है, मटीरियल एज वेल एज परवेसिव। सर सिंपल है, एक वर्ड समझने का है, कौन सा, परवेसिव, वो समझ में आ गया, टेबल खत्म, सिंपल है ना। जिधर परवेसिव है उधर ये दो आएगा, जिधर परवेसिव नहीं है उधर ये क्वालिफाइड चलेगा। याद करने का तरीका तो परफेक्ट है, समझा गया मेरा बात, पर गेम इज एंटायरली ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड परवेसिव विच इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस बट ऑब्वियसली we will have to discuss pervasive, without that we can't understand which modification will come under what circumstances. शुरुआत करें, एक काम करते हैं, I have a different way today. पहले मैं आपको मौका देता हूं, तुमको लग रहा है ना तुमको सब समझ में आ रहा है, you guys are finding it very simple. I see 1D.28, आ जाओ ना 1D.28, definition of pervasive, दिख रहा है क्या? I am giving you 5 minutes, not 2 minutes this time. Read at least twice, and if you can understand something, please explain. बेटा बात करने के लिए नहीं बोला, पढ़ने के लिए बोला, आराम से। हाँ बुलाया उसको मैंने ऑलरेडी, टेंशन मत, तुम्हारी हलचल से समझ गया मेरे को। हाँ बोला बेटा, ऑलरेडी बुला दिया उसको, आ जाएगा, स्टार्ट कर देगा, टेंशन मत ले। पढ़ा गया, आर यू डन रीडिंग? एनीवन हू वांट्स टू एक्सप्लेन, कुछ तो समझ में आया होगा यार, जितना भी आया चलेगा मेरे को। पहले सच्ची बताओ, एक बार पढ़ा एटलीस्ट, कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा, देखो तब इतना बेइज्जती मत करो यार, कुछ तो समझा होगा यार। एनीवन ट्राई करो, चलो मजाक नहीं उड़ाऊंगा, आई प्रॉमिस। अरे आई बोलो ना, मजाक नहीं उड़ाएंगे, हाँ सीरियस।
इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कोई, एनीवन एल्स? तूने मेजोरिटी वर्ड्स तो इसके यूज कर लिए हैं। ओके ठीक है, नॉट बैड सर। आपने बोला स्टिक टू आईसीआर लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड, यू टुक इट वेरी सीरियसली, नॉट बैड। और कोई, एनीवन एल्स? वन मोर एटलीस्ट, एक तो कोई ट्राई करो यार। हाँ ओके एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन, और प्लीज ट्राई करना, मैं बहुत धीरे धीरे जाऊंगा, समझेगा, ट्राई। परवेसिव वर्ड का नॉर्मल बेसिक लेमैन के लिए मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलता हूं इट्स अ परवेसिव डिजीज, इट्स अ डिजीज जिसका इंपैक्ट एक जगह पे नहीं रहेगा, इट विल स्प्रेड टू मल्टीपल एरियाज, और आप बोल सकते हो कि अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन आवर बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर रिलेशनशिप, दैट इंपैक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बिजनेस, नॉट जस्ट वन बिजनेस। नॉर्मली लोग ये समझते हैं, यहां पर अलग दुनिया है, थोड़ा कनेक्टेड है पर समझने का ट्राई करना। ऑडिट के अंदर अगर आप परवेजिव वर्ड सोचते हैं, इट शुड बी थॉट ओनली एंड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। मतलब जब आप गलती ढूंढ चुके हो, उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, या आपको लगता है गलती हो सकती है, उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, तो ही इस वर्ड के बारे में सोचना। मतलब दिस वर्ड शुड बी थॉट बाय एन ऑडिटर इन ऑडिट सब्जेक्ट ओनली व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ मिसस्टेटमेंट। नाउ मिसस्टेटमेंट कैन बी इधर डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट और इट कैन बी अ पॉसिबल। सर मैं क्यों बार बार ये दो वर्ड को ला रहा हूं? क्योंकि मॉडिफिकेशन आने के पीछे भी दो रीजन है यार, या तो आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाएगा, अरे हाँ है ना, या सर आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला इसलिए लग रहा है दैट देयर कैन बी पॉसिबल मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, अरे हाँ है ना। इसीलिए परवेजिव के पर्सपेक्टिव में भी दोनों चीजों को दिमाग में रखना, अगर या तो गलती मिल गई होगी उसे इवैल्यूएट कर रहे हो, या एविडेंस नहीं मिला है और लग रहा है यहां पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स होंगे उसे आप इवैल्यूएट कर रहे हो। जब उसे इवैल्यूएट करोगे तो इन्होंने तीन कंडीशंस दी है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो वो मिसस्टेटमेंट या वो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट कहलाएगा परवेसिव इन नेचर। तीन कंडीशंस दी है, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करता है तो वो मिसस्टेटमेंट या पॉसिबल मिसस्टेटमेंट क्या कहलाएगा? परवेसिव इन नेचर। एटलीस्ट ये पढ़ कैसे रहे वो समझ, पर्सपेक्टिव समझ में आया क्या? कंडीशन समझाऊंगा, डरो मत, डोंट वरी। ये परवेजिव वर्ड पढ़ना कब है, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, उतना समझ में आया है क्या? ये आपने जो बोला लिखा किधर है? आओ जरा मेरे साथ में पढ़ना शुरू करो। इट इज अ टर्म, एवरीवन आई वांट अटेंशन, इट इज अ टर्म दैट इज यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ, आगे देखो, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसका, जो गलती मिली है उसका, या द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स विच आर अनडिटेक्टेड। मतलब सुनो वापस से, ये बोल रहा है मिसस्टेटमेंट का इंपैक्ट दो पर्सपेक्टिव से आ सकता है, एक जो गलती आपको मिल गई है, दीज आर योर डिटेक्टेड, मैंने इसे इफेक्ट दैट मीन्स डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट, अरे हाँ या ना। व्हेन आई से पॉसिबल इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, पॉसिबल बोल दो या अनडिटेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट बोल दो, समझ में आया क्या मेरा बात? वापस से, ये टर्म यूज करोगे ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। मिसस्टेटमेंट की भी दो कैटेगरी बना दी हमने इस पर्पस के लिए, एक जो मिले हैं, दूसरे जो हो सकते हैं। सर ये आपको दूसरे वाले मिले क्यों नहीं? क्योंकि आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला,
क्योंकि आपको क्या नहीं मिला, ऑडिट एविडेंस नहीं मिला. देखो सर, द पॉसिबल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दोज मिसस्टेटमेंट्स विच आर अनडिटेक्टेड, वाई, ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रूव. मतलब सर ऐसा लग रहा है कि वो सर्कमस्टेंसेस ही लैंग्वेज बोरो कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्टेड कॉन्सेप्ट समझना भी वैसे ही पड़ेगा. मतलब सर परवेजिव वर्ड पढ़ना है अगर मुझे मिसस्टेटमेंट, चाहे वो डिटेक्टेड वाला है या पॉसिबल वाला है, उसके इफेक्ट को इवैल्यूएट करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट आया है. नीचे आओ सर, परवेजिव इफेक्ट तब होगा अगर वो इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करता है. क्या करता है? इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल करता है. अज्यूम करो अगर मैं बोलता हूं सर मुझे कोई ऐसी गलती मिली है जिसका इंपैक्ट कोई एकाध एरिया पे नहीं है, जिसका इंपैक्ट कोई एकाध एरिया पे नहीं है, इट इज इंपैक्टिंग मल्टीपल एरियाज ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताओ आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गलत बनाया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गलत बनाया. लेट्स से लास्ट 5 साल में आप लोग 10% प्रोविजन करते थे, करंट ईयर में आपने प्रोविजन किया 5%. अज्यूम करो कंपनी में लास्ट 5 साल से आप 10% का प्रोविजन करते आए थे, इस साल आपने 5% प्रोविजन किया. एज अ ऑडिटर मैनेजमेंट को पूछोगे ना क्यों भाई? मैनेजमेंट बोलते हैं हमारे हिसाब से इस बार 5% ही है. क्यों? आई अंडरस्टैंड प्रोविजन में जजमेंट आता है. अरे पर जजमेंट का भी तुम्हारे पास लॉजिकल रीजन तो रहेगा ना यार, ऐसा क्या अलग हुआ इस साल में इन कंपैरिजन टू लास्ट 5 years के ऐसा करना चाहिए. आई वुड वॉन्ट अ लॉजिकल रीजन फॉर द सेम. चलो लॉजिकल रीजन नहीं मिला तो क्या तुम बोलोगे ये गलती है? अरे मान लो क्लाइंट गलत बोल रहा है, वो बोल रहा है 5% ही है, बात खत्म, हमको हमने डिसाइड किया, कोई रीजन दे नहीं पा रहा हूं मैं, पर मैं बोल रहा हूं 5% है तो तेरे हिसाब से 10% होना चाहिए था. 5% क्या, इज देयर अ डिफरेंस? इज दिस डिफरेंस अ मिसस्टेटमेंट? अज्यूम द अमाउंट इज बिग एंड आई क्लासिफाई दिस एज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. आई क्लासिफाई दिस एज अ मटीरियल, बट दिस विल इंपैक्ट ओनली वन एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अरे हाँ ना, क्या इसका इंपैक्ट ऐसा बोलूंगा क्या? नहीं, ये 5% की वजह से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है. मैं क्या बोलूंगा? प्रोविजन में गलती है. अरे सेम ऐसा ही एग्जाम्पल स्पाइसजेट का दिखाया था कि स्पाइसजेट के केस में प्रोविजनिंग कम किया या नहीं किया, वट एवर इट इज, तो आपने क्या बोला? हाँ गलती तो है. क्या है? गलती तो है, पर मैं बोल रहा हूं ये गलती का इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आने वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक एलिमेंट पे आने वाला है. बात समझ में आया क्या? पक्का? अब दूसरा सिचुएशन, अभी तक परवेज ही पढ़ा है, नहीं टेंशन मत लो. दूसरा सिचुएशन, अच्छा एग्जांपल देता हूं. एक कंपनी एक्स वाई जेड, बहुत पुराना केस है. दिस कंपनी वॉज अक्वायर्ड बाय अ स्विस कंपनी फॉर एक्स वाई जेड अमाउंट, ठीक है, एंड दिस कंपनी वॉज इंडियन कंपनी ओनली, पूना के आउटस्कर्ट्स पे, वॉज रनिंग इन टू लॉसेस फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है. अब जब आप नया मैनेजमेंट लेके आते हो, कंपनी को अक्वायर कर लिया, नया मैनेजमेंट आएगा, वो एग्जिस्टिंग सब लोगों को रिट्रेंच करना चाहता है. सुना है क्या वर्ड? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. सुना है क्या? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तुम क्या बोल रहे हैं? मेरे को जो भी तुम्हारे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स हैं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग वंस, आई वांट टू चेंज द वे वी मैन्युफैक्चर कंप्लीटली, मुझे पूरे नए लोग ही चाहिए. डू यू गेट माय पॉइंट? मैनेजमेंट के एग्जिस्टिंग कुछ लोग कॉमन रखे, बाकी लोग नए लेके आए, आपने बोला इन सबको हमको निकालने का है, हमने एक रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन डिक्लेयर किया. क्या किया? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन. अज्यूम करो तुमने डिक्लेयर किया 2 करोड़ का रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन सब लोगों का, वर्कर्स का कंबाइंड फॉर एग्जाम्पल. अब इंडिया में ऐसा अगर हुआ, लोग एक्सेप्ट करेंगे आसानी से? नहीं करेंगे. दे फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द कंपनी एंड दे डिमांडेड इसके अगेंस्ट में 8 CR. वेरी ओल्ड स्टोरी, 2009 का बात है ये. उन्होंने 2 करोड़ इन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने 8 करोड़ मांगा कि कॉम्पनसेशन देना ही है तो बराबर से दो 8 CR. एंड दिस कंपनी इज अज्यूम अ सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑन अ थिन लाइन, रनिंग इनटू लॉसेस, ठीक है. इस सिचुएशन में सबसे पहले केस इज पेंडिंग इन कोर्ट एज ऑन 31st मार्च, जो भी रेस्पेक्टिव ईयर है,
तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए, केस समझ में आएगा तुमको। अरे तुम एग्जिस्टिंग लेबरर्स को निकालना चाहते हो, उनको कॉम्पनसेशन तुमने डिक्लेयर किया, वो न जा रहे हैं, नए नए वाले को आने दे रहे हैं, नए एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं, 2 करोड़ मांगा इन्होंने 8 करोड़ मांगा, देर इज अ कॉन्स्टेंट ऑपरेशनल स्ट्राइक, आपका मैन्युफैक्चरिंग रुक चुका है पूरा का पूरा फॉर लास्ट 3 मंथ्स, ईयर एंडिंग आ गया 31 मार्च। इस सिचुएशन का इंपैक्ट तुम्हारे बुक्स में क्या आना चाहिए पहले तो मेरे को ये बताओ। तुमको फर्क नहीं पड़ता, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, एंड यू विल कंटिन्यू इन द न्यू कंपनी ऑल्सो। शुड वी मेक अ प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी आना चाहिए। ओहो इंटर के बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ कंटिंजेंट लाइबिलिटी आएगा। अच्छा 2 करोड़ का प्रोविजन कर दो, बाकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में डाल दो, केस पेंडिंग है इसलिए। ओनली डिस्क्लोज इट, सो नॉट अकाउंट इट, देयर इज अ डिफरेंस। When you make a provision that hits your PNL, I hope you know this. Thank God. When I say report it, that means only disclose in notes to accounts. That does not impact your profitability. I hope you know that, right? So, my question is simple. Yaar. Provision kitne ka banao? Bolo. 2 crore ka, 4 crore ka, ye kaam average nikalte sir, ek kaam karte. Yaar, bare minimum 2 CR ka provision to aayega hi na yaar. क्योंकि आपने खुद ही प्रॉमिस किया मैं 2 देने को तैयार हूं, अरे हाँ है ना, बेर मिनिमम है, और रादर थोड़ा बफर भी रखना चाहिए लॉजिकली। इफ द केस इज आउटस्टैंडिंग, गैप बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली केस पे डिपेंड करता है कि मतलब ओवरऑल सिचुएशन किसके साइड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किधर वीक ज्यादा है, बट बेर मिनिमम 2 CR का प्रोविजन आएगा और 6 करोड़ का कंडीशन लाइबिलिटी आएगा, अरे हाँ है ना। मान लो कंपनी का मैनेजमेंट ना तो प्रोविजन बनाना चाहता है, ना ही इस केस को नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्ट करना चाहता है, ना तो प्रोविजन बनाना चाहता है, ना ही नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है अभी नया नया एक्विजिशन हुआ है, जिस कंपनी ने अक्वायर किया है वो एक रेप्यूटेड इंटरनेशनल कंपनी है, इफ दिस कम्स आउट इन मार्केट उनके स्टॉक की लग जाएगी, हो सकता है ना। ऑब्वियसली कंपनीज माइट वॉन्ट कि ये इधर का इधर रह जाए लॉजिकली। एज अ ऑडिटर क्या तुम्हारे लिए नॉट मेकिंग अ प्रोविजन ऑफ 2 CR इज दैट अ मिसस्टेटमेंट, इज दैट अ मिसस्टेटमेंट। एंड अगर मैं बोलता हूं नॉट मेकिंग अ डिस्क्लोजर कंटिजेंट लाइबिलिटी का, जो भी तुमको रिपोर्टिंग करना है, चलो बार तुमने 4 करोड़ का प्रोविजन बनाया, बाकी 4 का कंटिजेंट लाइबिलिटी, अमाउंट में लड़ाई नहीं करते, लड़ाई कॉन्सेप्ट में करते हैं कि प्रोविजन नहीं बनाया, डिस्क्लोजर नहीं दिया, डोंट यू थिंक इट इज अ सीरियस मिसस्टेटमेंट। बट सर विल दिस इंपैक्ट ओनली 1 एरिया और द एंटायर कंपनी? Will this impact only 1 area or the entire company? Sir, this will impact only 1 area, no, yaar. That area is profit and loss account. See, theoretically it may look like that provision amount 2 crore hai, yaar. Assume a situation. Company's existing people, the workers, are on a strike. Manufacturing has stopped. Your existing order book is under question mark. This may even lead to a question on your going concern also. Are you understanding my point? You will, so that is where auditor's judgment comes into picture. मैं यही बोल रहा हूं, यहां पर आपको आपके judgment के basis में सोचना पड़ेगा। हाँ सर, prima facie provision नहीं बनाना एक गलती है, इसको मैं pervasive बोलू जरूरी नहीं, ये significant है जरूरी नहीं है यार, it will impact only 1 area, but if I look at the nature of the problem, it looks like that may impact the entire organization. Forget about 2 CR, company shayad survive hi nahi kar payega yaar, khatam ho jayega pura ka pura. And agar going concern bhi issue aa gaya, matlab pura financial statement hi reliable nahi bachega na yaar. Are ha ya na. To sir, agar aapko lagta hai, everyone, agar aapko lagta hai koi aisi galti mujhe mili hai jiska impact ekad area pe nahi aayega, शायद डायरेक्टली विजिबल एक आध एरिया है, बट इट मे लुक लाइक दैट इट कैन इंपैक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स और एरियाज ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बोलोगे ये जो गलती है, चाहे वो गलती मिली है या वो गलती पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल आई विल क्लासिफाई दिस एज अ परवेसिव नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट। चलो सर थोड़ा बहुत आप बोल रहे हो तो पिंच ऑफ सॉल्ट से एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। एक और सिचुएशन,
You talk about any fraud which has happened in the world. Let's start, let's say very basic one, Satyam. From financials perspective, what was the fraud? From financials perspective, what was the fraud? There were fake FDs, fake receipts, fake payroll expenses amounting more than 2-2.5 crore on a monthly basis. Matlab, actual payroll X hai, usko inflate karke number of employees hi bahut dikhaye. Suna ka word ghost workers, workers who are there on paper, but who really don't exist. Do you get my point? But unke account ke naam pe salary bahar nikal raha hai. मतलब मेरे बुक्स में खर्चा बढ़ते जा रहे हैं. मैं बोल रहा है मैंने सेल्स इन्फ्लेट किया है, मैंने एक्सपेंसेस इन्फ्लेट किया है, मेरे एफडीज भी फेक है. अब अगर मैं बोलता हूं ये सिचुएशन सर एक ही एरिया को इंपैक्ट कर रहा है, कौन से एरिया को? दिस इज इंपैक्टिंग योर एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस और नो? सो नॉर्मली परवेसिव नेचर इतना एक्सट्रीम होता है, अगर आपको लगता है जो गलती आपको मिली है या जो गलती हो सकती है उसका इंपैक्ट एक एरिया में नहीं आएगा, उसका इंपैक्ट आएगा ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप बोलोगे दैट सर दिस मिसस्टेटमेंट और दिस पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लुक्स परवेसिव इन नेचर. व्हाट इन नेचर? परवेसिव इन नेचर. एक कंडीशन समझ में आया क्या? पक्का पक्का आ जाओ पॉइंट नंबर 8 पे, जल्दी आ जाओ. डोंट वरी, इसको हम छोड़ने वाले नहीं, ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी स्टार्ट है. डोंट वरी, लिटरली इसके बहुत एग्जाम्पल्स हमको डिस्कस करने पड़ेंगे टू गेट मोर क्लैरिटी. अभी के लिए सर, परवेसिव इफेक्ट तब होता है अगर ऑडिटर के जजमेंट में इसका इफेक्ट विल नॉट बी कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट. एलिमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आइटम्स होते हैं ना, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर भी लाइन आइटम होते हैं ना, तुम्हारे इन्वेंट्रीज, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, दिख रहे ना तुम्हारे अलग अलग एलिमेंट्स, अरे यस और नो, वो सब तुम्हारे अकाउंट बैलेंसेस कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं या आइटम्स कहलाते हैं. पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि सर उस गलती का इफेक्ट ना इज नॉट कन्फाइंड टू वन एरिया, दैट मींस इट इज इंपैक्टिंग मल्टीपल एरियाज ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इज दिस क्लियर टू यू? पॉइंट नंबर 1 क्लियर है क्या? पक्का? नाउ कैन यू रीड पॉइंट नंबर बी अलॉन्ग विथ मी एवरीवन? ढंग से, सबसे डेंजरस यही है. If so confined, मतलब A से कनेक्टेड है वो, अगर मान लो इट इज कन्फाइंड टू वन एरिया. सुनो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोलता है, इफेक्ट एक एरिया पे नहीं आएगा, बहुत सारे एरियाज पे आएगा, ठीक है. दूसरे में बोल रहा है मान लेता हूं चलो इफेक्ट एक ही एरिया पे आएगा. इफ सो कन्फाइंड यहां पे क्या बोल रहा है, मान लेता हूं इफेक्ट एक ही एरिया पे आएगा, बट दैट रिप्रेजेंट्स और कुड रिप्रेजेंट. रिप्रेजेंट मतलब जब डिटेक्ट कर लिया होगा, कुड रिप्रेजेंट इंग्लिश मतलब पॉसिबल. अरे हाँ है ना सर, एक ही एरिया में इंपैक्ट है, बट वो एक एरिया भी रिप्रेजेंट करता है अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब सर यस इट इज इंपैक्टिंग ओनली वन एरिया, बट दैट वन एरिया इन इटसेल्फ इज सो बिग दैट सर अज्यूम अ सिचुएशन, वो 2 crore 8 crore बैलेंस शीट 15 crore का, कंटिंजेंट लाइबिलिटी 8 crore का, और केस के अंदर यस और नो? मतलब अगर एक्चुअली 8 crore पेबल हुआ तो सब बिक जाएगा. डू यू अग्री विद मी और नॉट? सो इट मे लुक लाइक इट इज इंपैक्टिंग ओनली वन एरिया, बट दैट वन एरिया कैन ऑल्सो बी अ सिग्निफिकेंट एरिया जो रिप्रेजेंट करता है अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अगर उस एरिया में गड़बड़ है तो सर मानता हूं इंपैक्ट एक एरिया में, बट फिर भी ये परवेसिव, क्योंकि सुनो परवेसिव सिचुएशन वो है जब आपको लग रहा है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, ना कि एक छोटे एरिया में. हां गलतियां या तो मल्टीपल एरियाज में ही है तो बात ही खत्म, या एक ही एरिया में, पर वो एक एरिया भी इतना मेजर पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि मैं रिलाई नहीं कर सकता हूं. आई गिव यू चल अनदर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल एक और. कंपनी एक्स, कंपनी वाई अक्वायर्ड एक्स, ठीक है 100% एक्विजिशन, अज्यूम सिचुएशन. एक्स का बैलेंस शीट टोटल अमाउंट बोलता हूं लेट्स से 100 crore. आफ्टर वाई एक्विजिशन जब कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगा, समझ रहे हो, दैट स्टैंड समवेयर अराउंड 250 crore. इट लुक्स लाइक अ रिवर्स मर्जर होता है. छोटे स्ट्रॉन्ग कंपनी ने एक बड़े अनऑर्गेनाइज कंपनी को उठा लिया.
होता है। चलो तुम्हारे लिए नहीं, हम नहीं मानेंगे 100, चलो हम मानते हैं एक काम को 180, 80 आया ना उधर से, अभी तो तुम बड़े हो खुश। प्रॉब्लम क्या है, जब मैं ऑडिट करने के लिए गया मैंने बोला अब मेरे को 180 का चेकिंग करना है, अब बैलेंस शीट के सारे आइटम चेक करेंगे ना यार, वो क्या बोल रहे हैं ये 100 अवेलेबल है सबको चेक करने के लिए, बट जो अभी 80 नया एक्विजिशन है वी डोंट रियली हैव एक्सेस एज ऑफ नाउ ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट, विल गिव यू एक्सेस इन द नेक्स्ट ईयर। डू यू गेट माई पॉइंट? इसीलिए रियल लाइफ में ऐसे एक्विजिशंस जानबूझ के कंप्लीट करते हैं फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद में, क्योंकि उनको एक्सेस मिलने में टाइम लगता है और उनको मालूम है अगर लास्ट ईयर 31 मार्च में नंबर ऐड हो गया तो ऑडिटर लगा देगा, क्योंकि वो क्या बोलेगा मेरे को 180 में से 100 भी कॉन्फिडेंस है, बाकी 80 के रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है, हाउ कैन आई गिव एन ओपिनियन, कैन आई से मेरा अनटेस्टेड बैलेंस इज 80? अरे यस और नो, मतलब आई एम ट्राइंग टू से मे बी इट मे लुक लाइक वन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी बट दैट वन इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रीमली सब्सटेंशियल इन नेचर। तो अगर इतना सब्सटेंशियल लग रहा है मतलब सर गलती शायद एक एरिया में होगी बट वो एक एरिया भी इतना सब्सटेंशियल हो सकता है कि तेरे को लगता है नहीं भाई यहां पर इंपैक्ट लग रहा है एक एरिया में बट ये सर इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करने वाला है, इट्स नॉट लाइक अ स्मॉल मिसस्टेटमेंट, इट लुक्स लाइक समथिंग एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट। मतलब सुनो मेरा बात, कब एक मिसस्टेटमेंट परवेसिव बनता है, नंबर वन या तो उस गलती का इंपैक्ट मल्टीपल एरियाज में आ रहा है बात ही खत्म, या उसका इंपैक्ट एक ही एरिया में आ रहा है बट वो एक ही एरिया एक सब्सटेंशियल पार्ट है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तब भी मैं उसको क्लासिफाई करूंगा एज परवेसिव इन नेचर। क्या ए और बी थोड़ा समझ में आया है क्या? कम टू पॉइंट नंबर सी, ये टाइम पास है, ये तो तुमको समझ गया होगा यार, इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स। सर कुछ ऐसी गलती है विच इज रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, एक मिनट समझ जाएगा तुमको। मैंने फर्स्ट डे कुछ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बताया था क्या? कोई बोला तो मार डालूंगा उसको मैं। नोट्स टू अकाउंट्स पार्ट ए कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, पार्ट बी समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, याद आया क्या? अरे उधर लिखा होता है हम हमारे इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे करते हैं, हम अमोर्टाइजेशन कैसे चार्ज करते हैं। अज्यूम करो एक कंपनी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये डिस्क्लोज नहीं किया। अरे यार ये सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर है, आप नहीं करोगे ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेस है, ऐसे होने ही नहीं चाहिए एक्चुअली में, इसीलिए ऑडिटर को बोला है अगर कुछ ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया है विच यू बिलीव इज फंडामेंटल फॉर माई यूजर्स। अरे मेरा यूजर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है इन्वेंट्री का वैल्यू देखेगा वो नंबर किधर से आया है पता चलना चाहिए ना यार। अरे हाँ या ना सर वो नंबर आया इस वैल्यूएशन के मेथड से, उसके अंदर बाइफिकेशन होना चाहिए इन्वेंट्री टोटल 100 CR, उसमें सर रॉ मटेरियल कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, आना चाहिए ना क्लासिफिकेशन यार। तुमने सर वैल्यूएशन कैसे किया बताया नहीं, उसका पूरा बाइफिकेशन करके दिया नहीं। अरे ये सब बातें नोट्स टू अकाउंट्स में है, तुमको मालूम रहेगा तुमने बनाया है अकाउंट्स में, बनाते थे ना इन्वेंट्री 3 पार्ट में आया वो अमाउंट। अच्छा तुमने पहले बैलेंस शीट बनाया नोट्स टू अकाउंट्स बनाया? तुमने नोट्स टू अकाउंट्स बनाया कि नहीं बनाया? नोट्स टू अकाउंट्स बनाया ना, ऑब्वियसली पहले वो बनेगा ना यार, उधर से तो अमाउंट फ्लो के। ओ माय गॉड, कंट्रोल बेटा, इधर देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। इधर देखो, ये दिख रहा है क्या पीपीई? ये अमाउंट दिख रहा है क्या 292,092? ऊपर करोड़ में है, जाने दो, तुम अज्यूम करो 2,92,000, समझ रहे हो? किधर आया नोट नंबर 1 दिख रहा है क्या? अरे जब मैं पीपीई के शेड्यूल में जाऊंगा, ये दिख रहा है क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? ये नोट बनाना पड़ेगा पहले। अरे मेरा इंडिविजुअल लैंड का ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन क्या है, डिलीशन क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है? अरे ये अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस ही तो वहीं पे आने वाला है लास्ट में। अरे हाँ या ना,
तो ये डब्बा तो बनाना पड़ेगा ना, बिना नोट्स के वहां अमाउंट कैसे फ्लो करके जाएगा। तो अगर ये डिस्क्लोजर्स भी कुछ ओमिट कर दिए तो ये एसेंशियल है ना मेरे यूजर्स के लिए, वरना मेरा यूजर समझेगा कैसे कि भाई वो अमाउंट कहां से आ रहा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या मुझे इसको परवेसिव मानना चाहिए, हाँ या ना? वही पॉइंट नंबर सी लिखा है, अगर आपकी गलती है इन रिलेशन टू डिस्क्लोजर्स, तो सर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं दिया आपने विच इज फंडामेंटल टू माय यूजर्स। उधर ही बाजू में लिख लो, फॉर एग्जांपल लिख लो, मैं कल लिखवा के दूंगा, टेंशन मत लो, उधर लिख लो फिर भी रेफरेंस के लिए बुक में, फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, फॉर एग्जाम्पल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। थोड़ा सा परवेसिव क्या होता समझ में आया क्या? मतलब सर इतना आसान नहीं है डिसाइड करना कि मॉडिफाइड दूं या क्लीन दूं, फिर मॉडिफाइड में कौन सा दूं ये और मुश्किल है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट बिकॉज ऑफ द वर्ड परवेसिव योर रिपोर्ट्स विल चेंज कंप्लीटली, एंड दैट इज व्हाई दीज टर्म्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट आपको बेसिक तो पता रहे, बिकॉज अगर मान लो तुम किसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहा है, यू आर सिटिंग अलॉन्ग विथ योर सीनियर्स एंड मैनेजर्स, they will discuss about this concept before finalizing the opinion. At least वो बोल क्या रहे वो तो समझना चाहिए, even if you don't want to contribute that's okay, but you should understand how are they arriving, don't you think or not? So they will consider these three aspects to actually come to a conclusion whether we should consider whether it is pervasive or not, and how pervasive will change your opinion, that we will discuss tomorrow. Are we good? Request है, जो पढ़ा था और जो लिखा है उसको एक बार वापस देखना, कल पहले परवेसिव एक बार वापस समझा के दूंगा पहले 5 मिनट में, और फिर लिखवा करके आगे निकल जाऊंगा। दैट्स ऑल गाइस, सी यू टुमारो। ये वाला एसी ऑफ है क्या? वो एसी ऑफ है क्या वो वाला? उसको बोलता हूँ ठीक करने के लिए, टेंशन मत लो। अतुल उसको आज शाम को बोला, उसको उसका पानी आया सुबह इसलिए। बाकी एसी ऑन है कि नहीं है?